अंसारी साहब को दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, अब्दुल माजिद अंसारी साहब। उसके बाद दूसरे एक्सपर्ट मोहतरम अब्दुल मलिक मोमिन साहब, ये पर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, मोमिन अब्दुल मलिक साहब। एक एक्सपर्ट जो है अभी सफ़र में हैं, वाप यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा आज जो ये प्रोग्राम है, इसकी सदारत के लिए जो आज के प्रोग्राम की सदारत करेंगे एडवोकेट नियाज मोमिन साहब, वो भी स्टेज पर आ जाएं। भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं कीप मोमिन साहब एडवोकेट, उसके लिए सबसे पहले हम डॉक्टर अनीस मोमिन साहब और दूसरे जो है इसके जो मेज़बान हैं समतिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर। तीन एक्सपर्ट हैं मोहतरमा फातिमा कुरैशी साहबा, दूसरे मोहतरम अब्दुल माजिद अंसारी साहब और तीसरे जो है मोहतरम अब्दुल मलिक मोमिन साहब। हमारी सोसाइटी के एक रुकन हैं मोमिन मुअज्जम साहब, वो भी स्टेज पर आ जाए। माइक ले लो। हम का आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू करना चाहेंगे। मोमिन मुजक्किर सर, मोमिन मुजक्किर सर को आवाज़ देता हूँ, यहाँ पर आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। لك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المقيمن المؤمن المقيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم आज के इस प्रोग्राम के सदारत के लिए मैं हमारी सोसाइटी के मुअज्जज रुकन एडवोकेट नियाज मोमिन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आज की इस प्रोग्राम की सदारत को कबूल करें। इनके बारे में बता दें कि तकरीबन दो महीने से गोल्डन जुबली जो हमारा यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, तकरीबन दो महीना पहले इनकी तैयारी में मसरूफ़ हैं और इंतहाई अच्छी तरीके से बहुत नखूबी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हम कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। एडवोकेट नियाज मोमिन साहब चेयरमैन गोल्डन जुबली, इनकी खिदमत में शॉल और बुके का रजाना पेश करने के लिए मैं हमारी स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर को आवाज़ देता हूं कि आज के सदर की खिदमत में शॉल और बुके का नजराना पेश करें। सिद्दीकी साजिद सर,
एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले मोहतरम अब्दुल माजिद अंसारी साहब, ये महाराष्ट्र कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज थे, फिलहाल मधु गर्ल्स कॉलेज कल्याण में प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हैं। इंतहाई मिलनसार हैं, इन्होंने स्टाफ रूम की सियासत पर बेहतरीन किताब तरतीब दी है। स्टाफ रूम की सियासत पर बेहतरीन किताब इन्होंने तरतीब दी है और हमारे जो बहुत सारे कीमती मशवरे इनसे लिए जाते हैं। इनकी खिदमत में शॉल और बूके का नजराना पेश करने के लिए मैं हमारी स्कूल के सुपरवाइज़र मोमिन इमरान सर को आवाज़ देता हूं, यहां पर आएँ और अब्दुल माजी साहब की खिदमत में शॉल और बूके का नजराना पेश करें। सुपरवाइज़र मोमिन इमरान सर, और बूके का नजराना पेश करें। अब्दुल माजी अंसारी साहब फ़िलहाल जो है मधु गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हैं, ये हमारे एक्सपर्ट हैं आज के। समदिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं, इंतहाई मिलनसार हैं और साइंस और इंग्लिश मजमून पर कमांड हासिल है, बहुत सारी समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं। इनकी खिदमत में शॉल और बूके का नजराना पेश करने के लिए मैं बिलाल नासिर सर को आवाज़ देता हूं, यहां पर आएं और इनकी खिदमत में शॉल और पोलो का नजराना पेश करें। सोसाइटी के सेक्रेटरी एजाजी सेक्रेटरी एडवोकेट कीफ मोमिन साहब, इनकी खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करने के लिए मैं एडवोकेट तारिक मोमिन साहब को आवाज़ देता हूं कि इनकी खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करें। एडवोकेट कीफ मोमिन साहब की खिदमत में भिवंडी विवस एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं एडवोकेट कीप मोमिन साहब। इसके अलावा इस प्रोग्राम की जो पेशकश जिन्होंने की है इसमें जो हमारे अदारे में जो प्रिंसिपल्स हैं और सुपरवाइज़र हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। तबस्सुम मिस अगर हैं, तबस्सुम मिस और गजाला मिस, मना मैडम, ये सब जो हैं आगे आ जाएं, साजदा मिस आप भी आगे आ जाएं। और जो पीछे टीचर्स बैठे हैं वो बराए मेहरबानी आगे, जो नशिस्तें खाली वहाँ पर आ जाएं। इस प्रोग्राम की जो पेशकश है इसके पेश करने के लिए या इसको अच्छी तरीके से अंजाम देने के लिए सबसे पहले हमारी सोसाइटी के रुकन मोहतरम डॉक्टर अनीस मोमिन साहब, इनकी खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करने के लिए मैं डॉक्टर आरिफ सर इनसे दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर अनीस की खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करें। डॉक्टर आरिफ सर जो हैं डॉक्टर अनीस की खिदमत में शॉल और बूके का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारे स्कूल के सुपरवाइज़र मोमिन इमरान सर, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर की खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करें।
था ना ये हैं, और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो प्रोग्राम जो एक्सपर्ट तीसरे एक्सपर्ट हैं वो आ गए हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा फातमा कुरैशी साहबा। मोहतरमा फातमा कुरैशी साहबा ये महाराष्ट्र कॉलेज में इंग्लिश के जो मज़मून इंग्लिश मज़मून जो है इसके तदरीस अंजाम देती हैं, काबिल मुअल्लिमा हैं, बच्चों की नफ्सियात पर अच्छी मालूमात रखती हैं। इससे पहले जब यहाँ पर हमें वर्कशॉप रखा था तो उसमें किस तरीके से बेहतरीन तदरीस की जाती है इस पर बहुत अच्छी मालूमात इन्होंने दी थी। ये हमारे जो आज के तीसरे एक्सपर्ट हैं इनकी खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करने के लिए हमारी जो जूनियर कॉलेज की इंचार्ज सुपरवाइज़र हैं सना मैडम यहाँ पर आ जाएं और अपने हाथों से इनकी खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करें। साहबा की खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करते हुए इस तरह से हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं सबसे पहले हम बता दें उनवान जो है तलबा व असातिज़ा और वालदैन के घरेलू मसाइल का तदरीसी अमल पर असर, मोहतरमा फातमा कुरैशी साहबा। दूसरे एक्सपर्ट मोहतरम अब्दुल माजिद अंसारी साहब। तीसरे मोहतरम अब्दुल मलिक मोमिन साहब। आज के इस प्रोग्राम की पेशकश डॉक्टर अनीस मोमिन साहब और प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद साहब। इसकी सदारत आज की सदारत है एडवोकेट नियाज मोमिन साहब। शुक्रिया। इसके बाद सोसाइटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए हमारे एजाजी सेक्रेटरी एडवोकेट खीप मोमिन साहब इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ पर आएं और सोसाइटी की रिपोर्ट पेश करें। एडवोकेट खीप मोमिन साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आए हुए मेहमान का इस्तकबाल करता हूँ। आज के जो पैनल डिस्कशन के जो हमारे जजेस हैं मोहतरमा फातिमा कुरैशी साहिबा, मोहतरमा अब्दुल माजिद अंसारी, मोहतरम अब्दुल मलिक मोमिन, इन सब का मैं स्वागत करता हूँ। सोसाइटी की रिपोर्ट तो मैं पढ़ चुका हूँ सब प्रोग्राम में, ये थोड़ा सी मुख्तसर सा मैं बताता चलूँ कि हमारा ये 50 साल हुआ है गोल्डन जुबली वीक हम बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यूनुस समद ऑडिटोरियम में ये पहला प्रोग्राम है, बहुत ही खुशी की बात है। और ये प्रोग्राम तो सब अच्छे से सब चल ही रहे, जो हमारा एनुअल कल्चरल प्रोग्राम है उसमें समदिया सीनियर कॉलेज का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, अभी और दो इंस्टीट्यूशन का बाकी है, ये खैर ऑफियस से हो जाए दुआ करता हूँ मैं। आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर 50 साल का मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत ही खुशी की बात है। शुक्रिया। ये थे हमारे एजाजी सेक्रेटरी एडवोकेट खीप मोमिन साहब। इसके बाद इस प्रोग्राम के अग्राज और मकासद पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सलीम सर यहाँ पर आएं और इस प्रोग्राम की गर्ज गायत बयान करें। सिद्दीकी साजिद सर। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र एहसान है कि भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी ने अपने 50 साल मुकम्मल कर लिए। जैसा कि अभी नियाज सर ने बताया कि यूनुस समद हॉल का बाकायदा कल इफ्तिताह हुआ है परसों ज़हीर गाजी के हाथों और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल तौर पर सबसे पहला प्रोग्राम ये यहाँ पर असातिज़ा के मसाइल और बच्चों के मसाइल से मुतालिक है। मुझको ये बताते हुए नहायत मसरत हो रही है कि असातिज़ा के तई बहुत सी बातें हैं जो आज हमको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर वो आपके गोशो गुजार करेंगे। हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे बच्चों के नफ्सियात से मुतालिक,
बहुत सी बातें हैं, मोबाइल के क्या खदशात हैं, फिर उस खदशे हैं, और उसके अलावा घरेलू मसाइल जो होते हैं सबसे अहम, कि घरेलू मसाइल के एतबार से बच्चों पर क्या असर होता है और असातिज़ा के ऊपर क्या असर होता है तदरीस के मरहले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टॉपिक जब हमने सजेस्ट किया कि भाई घरेलू मसाइल से बहुत ज़्यादा तनाज़े हैं जो घर में, या घरेलू मसाइल की वजह से हमारे बच्चे आगे नहीं पहुंच रहे हैं, या घरेलू मसाइल के सबब मिल्लत में इंतशार है, ये तमाम बातों को देखते हुए ये तय किया कि क्यों ना एक इसी उन्वान से असातिज़ा से बात की जाए कि तलबा असातिज़ा और वालिदैन के घरेलू मसाइल का तदरीस पर क्या असर होता है, जिसके लिए मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे एक्सपर्ट्स माजिद अंसारी सर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने असातिज़ा के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, बच्चों के लेक्चर्स वगैरह का कंडक्ट करते हैं, वालिदैन की तंजीमों से अक्सर मुखातिब होते हैं, ये एज एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद जैसा कि हम तमाम जानते हैं, हमारे साबिक वाइस प्रिंसिपल अब्दुल मलिक मोमिन सर यहाँ पर मौजूद है। मलिक सर, बच्चों की नफ्सियात से मुतालिक बच्चों के ऊपर बहुत सी नज़में आपने लिखी हुई हैं, बच्चों की हर वो बात आप जानते हैं जो एक असातिज़ा को मालूम होना चाहिए, तो ये हमारे लिए आज नहायत ही मसर्रत का मकाम है कि मलिक सर जैसी शख्सियत हमारे इस बज़्म की ज़ीनत है। और उसके बाद हमारे तीसरे एक्सपर्ट जैसे फातिमा कुरैशी साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट नियाज सर ने जब पहला इनका लेक्चर सुना, जब हम ये सजेस्ट कर रहे थे कि भाई किसको एज ए इन्वाइट करना है एक्सपर्ट्स के तौर पर, तो इन्होंने कहा कि सर उन्हीं मैडम को आप बुलाएं, और सर के सजेशन पर हम लोगों ने ये नाम तय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझको उम्मीद है मैडम कि उस उम्मीद पर हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। मैं एक बार भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अदारों के हेडमिस्ट्रेस और तमाम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चूँकि हमारे पास वक्त कम है, 11 बजे से हमारे सवालात के सेशन इंशाल्लाह शुरू होने वाले थे, उसी के इतबार से 5 मिनट बाकी हैं। मैं एक बार फिर आप तमाम से बहुत ही अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम रखा गया असातिज़ा के लिए ही रखा गया है। असातिज़ा के जहन में बहुत से सवालात हैं, असातिज़ा के जहन में बहुत से घरेलू मसाइल हैं, असातिज़ा के जहन में वालिदैन के मसाइल हैं, असातिज़ा के जहन में तलबा के मसाइल हैं। तो ये जो मसाइल हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जो यहाँ से पूछ रहे हैं वही आपके मसाइल हैं। अगर आपको लगता है इससे हट कर कोई मसला है तो आप हमसे बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स बता रहे क्या वो हतमी फैसला है, अगर आपको उससे अच्छा सजेशन है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। बहरहाल एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स होते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स हैं। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के साथ आप हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का यहाँ पर इस्तकबाल करें, और उसी के साथ मैं डॉक्टर रईस से गुजारिश करता हूँ कि हम हमारे एक्सपर्ट्स का और हमारे असातिज़ा के मसाइल से मुतालिक कुछ सवालात पूछें। डॉक्टर सलाम अलैकुम रसूल करीम, अम्मा बाद, स्टेज पर मौजूद वाजिबुल एहतराम मेहमानान कराम और हाजरीन मजलिस, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आज का पहला सवाल हमारी आज की बहुत ख़ास मेहमान मोहतरमा फ़ातिमा कुरैशी साहबा से एक सवाल करना चाहूँगा। मोहतरमा, जैसा कि आप जानते हैं, हेलो, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहने के आदी हैं। तकरीबन 90% फैमिलीज़ जो वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से हमारे आपसी ताल्लुकात थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, और उसी वजह से बच्चों पर माँ बाप के झगड़े और माँ बाप के जो मामलात आते हैं बच्चों पे, उनके और उनका क्या हल है, ये मेरा पहला सवाल है मोहतरमा फ़ातिमा कुरैशी साहबा से। मोहतरमा फ़ातिमा कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी गुड उर्दू एज देर आर वंडरफुल स्पीकर सिटिंग आउट हियर, स्पेशली माजिद सर, ही वॉज द एक्स वाइस प्रिंसिपल ऑफ महाराष्ट्र कॉलेज, सो आई हैव वर्कड अंडर हिम, आई नो हाउ ही इज़
good at his, like, you know, at the language, and he's written several books. And I'm sure, you know, the other expert also must be an extremely good at the subject. So I feel I'm not comfortable using Urdu in front of them. Fine. Now, as sir has asked the question about the joint family and the behavior, the conflict, the fight that takes place between the parents on the children. Yes, it does adversely affect the child. You know, when the child hears such kind of fight, the child gets disturbed, and it also varies from the age of the child. At what age the child belongs to. For example, if the child is very young and very small, will be confused, will not know what is right and what is wrong. There will be several questions arising in the mind of the child that why my parents always behave like this, isn't it? There will be anxiety, there will be questions. You know, they can even go in depression if they will not able to find the answer of all these questions. Of course, the child will be preoccupied with all these thoughts all the time, because the child will not get the time and the affection of the parents, isn't it? Not only that, the complete schedule of the household get disturbed. For example, if the parents are fighting, the food will not be cooked on time, it will not be served on time, the children will not be made to sit for the studies on time. So the entire schedule will go upside down, and the child, as well as the entire house, all the members will be affected by it. See, the problem arises everywhere. Wherever there are two people or more than two people, there is a chance of disagreement. But one should know how to behave to that disagreement. Rather than fighting, we should look for ways to resolve it, to solve it, which can be done by talking politely, by understanding the situation, rather than letting our ego come in everything. It is very important. You should not let your ego disturb your relation, isn't it? The relationship is above everything. So I guess that understanding one should have. And when you have some kind of disagreement, see to it that you take care of your children. Try not to argue in front of them at all, because the child never gets the proper answer of it, isn't it? Will not able to perform properly even in the school. The child's attention gets affected, concentration gets affected, is all the time thinking about the house, isn't it? So the child behavior, mental state, everything. The child might start staying a very isolated life, might not mingle with anybody, isn't it? Because the child is thus thinking about the problems, the existing problem in the house. So I think, you know, these are the reasons how the family can get affected. Thank you. Thank you very much. Fatima Qureshi sahiba ka ye jawab tha. Ab mera agla sawal hai Malik sir se. Madam, aap please Malik sir ko mic dete hain. Malik sir, अक्सर देखने में आया है कि जो वालदेन का जो पेशा होता है, जैसे आप खुद भी टीचर थे, माजदा अपा भी टीचर थी, तो हम जैसे जो पेशा जो होता है, तो वालदेन और वालदा का पेशे से मुंसलिक होते हैं, तो उसमें वो अपने बच्चों को कम वक्त देते हैं, तो कम वक्त देने के बिना पर उनके तदरीस पर क्या असर होता है बच्चों के? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वालदेन अगर पेशे से ताल्लुक रखते हैं, मुलाजमत करते हैं, तो जाहिर है कि उनका पास वक्त कम होता है। लेकिन मुशाहिदा ये है कि जो वालदेन पढ़े लिखे होते हैं, मुलाजमत करते हैं, वो माशी तौर पर ख़ुद कफील होते हैं, वो बच्चों के तालीम के ऊपर ध्यान देते हैं, उनके किताबें हैं, कापियाँ हैं, यूनिफॉर्म है, स्कूल की फ़ीस वगैरह अदा करते हैं। इस तरह बच्चे जो हैं वो मुतमईन होते हैं, तनाव से फ्री होते हैं, इसलिए वो तालीम में आगे जाते हैं। बजाय इसके अगर माशी तौर पर बदहाली का शिकार हैं, तो आप बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो इसी तरह अगर माशी तौर पर खुद कफील हैं, तो बच्चे को ट्यूशन भी बर्दाश्त करते हैं, स्कूल के दीगर अखराजात बर्दाश्त करते हैं, और बच्चों पर भी तनाव नहीं होता, इस तरह वो अच्छी तालीम हासिल करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। शुक्रिया सर।
सॉरी आपा, आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। ये नहीं, पहले से पूछ लूँ, ये पहले सवाल से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखता है ये सवाल, कि असातिज़ा के घरों में भी इस तरह के मामलात होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, तो उनका बच्चों पर क्या असर होता है? द टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन, सो द सेम इफेक्ट विल बी इन द से इन देयर हाउस टू द टीचर्स, बट इट इज एक्सपेक्टेड मोर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द टीचर्स, एज यू आर एजुकेटेड, यू आर लर्नड, यू शुड नो हाउ टू बिहेव विद ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that you should know the ways to resolve the problems rather than igniting it and making it more severe. to kuch message dena chahenge aap teachers ko ya pe maujood teachers ko? mujhe lagta hai the communication is the best way to resolve problem. communicate, talk, do not fight and argue. this is very important. there is a difference between talking, there is a difference between fighting and arguing, isn't it? So I think if we communicate politely and try to understand, every problem can be solved easily. Thank you. Thank you. किसी बहुत बड़े दानिश्वर से पूछा गया कि जो मसाइल होते हैं इसका क्या हल है, तो दानिश्वर ने कहा कि बड़े मसाइल का यही हल है कि जैसे ही मसाइल उठे उसे वहीं पर ख़त्म कर दें, या बातचीत किस शक्ल से या दिगर किसी भी शक्ल से। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। माजिद सर, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अक्सर ये देखने में आता है कि घर में जो वालिदैन अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने बच्चों से इम्तियाजी सलूक करते हैं। लड़का है तो उसको बहुत इज्जत देते हैं, लड़की है तो उसको कम इज्जत देते हैं, लड़का है तो उसको पॉकेट मनी भी ज़्यादा देते हैं, उसको अच्छी स्कूल में भी भेजते हैं, किसी फंक्शन में तो उसको पहले भेजते हैं, लड़कियों के साथ जैसे उनका अलग बर्ताव है, या दो लड़के हैं तो उनमें भी उनमें फ़र्क होता है। तो ये जब फ़र्क होता है तो बच्चों के जहन में क्या पनपता है और उससे बच्चे में तदरीस सीखने के अमल में क्या रुकावट आती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं इस अदारे को तीन मुबारकबाद दूंगा। एक तो 50 साल जश्न की, दूसरे इस खुशनुमा और ख़ूबसूरत हॉल के इनॉग्रेशन की, और तीसरे इंतहाई अहम और दिलचस्प उन्वान के इंतखाब पर। आज के जो सेशन है वो तलबा, असातिज़ा और वालदैन के घरेलू मसाइल और तदरीस के हल पर है। सर, इससे पहले कि मैं आपके सवाल की जानिब आऊँ, मैं चूँकि कॉमर्स का एक तालिबे इल्म हूँ, इसलिए मैं उस ताल्लुक़ से सोचता हूँ कि जो कंपनीज़ होती हैं सर, वो अपना प्रोडक्ट बनाने में बहुत माहिर होती हैं, उसको बेचने में बहुत माहिर होती हैं, और वो इस बात का मुकम्मल ध्यान रखती हैं कि हमारी अपनी कंपनी में कोई मसला पैदा ना हो जिससे हमारा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो और हमारा सप्लाई डिस्टर्ब हो। ये तो उनकी बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन आज जो रिसर्च आगे बढ़ चुका है कॉमर्स में, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको आमतौर से लॉजिस्टिक्स भी कहा जाता है, उसमें वो कंपनी अपने मामलात को देखने के साथ साथ वो जो सारी कंपनीज उनको प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, जो उन्हें रॉ मटेरियल भेजती हैं, स्पेयर पार्ट्स भेजती हैं, वो इस बात की भी कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, वहाँ भी कोई मसला पैदा ना हो, जबकि वो दूसरी कंपनी है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से रॉ मटेरियल का सप्लाई इफेक्ट होगा तो उसका असर सीधा मेरे प्रोडक्शन पर आएगा, और अगर मेरा प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता तो मुझे सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट पर आज इस मजलिस में बात हो रही है कि हमारी स्कूल है, यहाँ से बच्चे एक घरेलू माहौल से आते हैं। हम स्कूलों में ये तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा हो, पढ़ाई हो, तरबियत पे बातें हो, सिलेबस मुकम्मल हो, अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन आज जो मौजू जिसकी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दोबारा, जिसका इंतखाब किया गया, वो इसलिए अहम है कि जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, जिस माहौल से, जिस घरेलू माहौल से आ रहे हैं, क्या वहाँ के मसाइल हमारे स्कूल के मसाइल पर हावी हो रहे हैं या उसका असर आ रहा है? तो यकीनन ये बहुत अहम मौजू है। अब ये कि जब हम घरेलू मसाइल की बात करते हैं तो एक जनरल बात तो ये कही जा सकती है कि हाँ, अगर घर का माहौल अच्छा है
तो बच्चे पर खुशगवार असर होगा और स्कूल के नतीजे में भी अच्छे आएंगे। इसके खिलाफ अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, जिसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में तनाज़े हैं, वालदैन कम पढ़े लिखे हैं, तासुब कर शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि घरेलू माहौल का आम तौर से ये कहा जा सकता है, और हमारा सबका ये ख्याल भी होगा और हम सही भी हैं कुछ हद तक उस बात में सोचने और समझने में, कि अगर घर का माहौल ख़राब है तो उसका बुरा असर बच्चे पर पड़ेगा और उसका असर स्कूल की और कॉलेज की तालीमी तदरीसी सलाहियतों पर पड़ेगा। इसके खिलाफ अगर घर का माहौल ख़राब है, वहाँ मसाइल हैं, किसी भी शक्ल का मसला है, उसका बुरा असर बच्चे पर पड़ेगा और उसकी वजह से स्कूल का नतीजा या स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर आएगा। ये जनरल बात तो कही जा सकती है, लेकिन मैं जब से सर ने मुझे इस मौजू को दिया तो सर का हुक्म सर आंखों पर, मैंने सोचा कि क्या इसके बारे में कोई तहकीक आदाद और शुमार मौजूद हैं जो इस बात को, जो जनरलाइजेशन है उसको या तो सही साबित करे या गलत साबित करे। बड़ी कोशिशों के बाद मुझे एक तहकीक मिली, जिसमें सर मैं आपके सवाल पर आने से पहले थोड़ा सा तमीदी बात, एक तहकीक मुझे मिली जिसमें ये साबित किया गया या ये पाया गया कि हाँ, घरेलू मसाइल का सीधा असर बच्चों की तालीमी सलाहियतों पर या तालीमी तरक्की पर होता है। मजबूत होगा तो मजबूत असर होगा, मनफी होगा तो मनफी असर होगा, लेकिन सवाल ये कि कितना। रिसर्च में आमतौर से यही ढूंढा जाता है कि जनरलाइजेशन नहीं चलता कि भाई ऐसा होता होगा या ऐसा हो रहा है, रिसर्च में उस बात को क्वांटिफाई किया जाता है, आदाद और शुमार की रोशनी में साबित किया जाता है। तो जो रिसर्च मुझे मिला उसमें इस बात को साबित किया गया कि 35.4% इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ घरेलू मामलात के असरात का होता है, बाकी 65% मतलब 2/3 असर जो है स्कूल का, माशरे का और होता है। इसका मतलब ये कि हाँ, ये बात साबित हो गई है कि घर के, सिर्फ घर के हालात, घर के मामलात एक तिहाई असर का असर रखते हैं। अब जैसे सर ने एक सवाल, बहुत ख़ास सवाल पूछा है कि अगर घर में वालदैन अपने बच्चों के साथ तासुब बरतते हैं, लड़के लड़की का तासुब हो या बड़े छोटे का तासुब हो, बड़ा है तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है या छोटा है तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, या लड़के को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है लड़की को नहीं दी जा रही है, ये एक मखसूस सवाल है और यकीनन उसका असर बच्चों की ज़हनियत पर पड़ेगा। जिसके साथ फेवर किया जा रहा है वो एहसास बरतरी में मुबतला हो सकता है, जिसके साथ तासुब बरता जा रहा है वो एहसास कमतरी में मुबतला हो सकता है, और जब ये एहसास उनके अंदर जागजी हो जाएगा, जाग जाएगा, तो इसका सीधा असर उनकी तालीम पर आएगा। वो बच्चा घर छोड़कर जब स्कूल आएगा, वो बच्चा घर छोड़कर जब स्कूल के क्लासरूम में बैठेगा, तो यकीनन उसके दिमाग के पिछले हिस्से में ये बात बैठी हुई है कि आज घर में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसमें मेरे साथ तासुब बरता गया, उसका असर उसकी पढ़ाई पर, उसका असर उसके मुकाबलों में हिस्सा लेने पर, उसका असर इम्तिहान में शरीक होने पर, उसका असर अच्छा रिजल्ट आने पर यकीनन मनफी ही होगा। इसलिए ये जो सवाल है कि अगर बच्चों के साथ किसी भी दर्जे में, चाहे पैसा देने के मामले में, चाहे स्कूल से रिलेटेड मामलों में अगर तासुब किया जाए तो यकीनन वो बच्चों के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए सरपरस्त के तौर पर हमें भी अपने घर में अदल का ख्याल रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरा कोई एक जुमला, कभी कभी तो मेरी कोई एक नज़र तासुब बरत जाती है, मैंने एक बच्चे की तरफ और दूसरे बच्चे की तरफ अलग अलग नज़रों से देखा, बज़ाहिर बहुत मामूली सी बात है लेकिन अगर बच्चे ने उसको कैच कर लिया तो ये तासुब जो है बच्चे की तालीमी मसाइल पर असरअंदाज हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। हेलो, देखिए अभी सर ने जो कहा कि तासुब बढ़ता जाता है या सलूक बराबर नहीं किया जाता, तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आमतौर से माँ बाप या वालदैन है, हर माँ बाप जो अपने बच्चों से वैसी मोहब्बत करता है जैसे एक बच्चे से करता है, उसी तरह लड़की से लड़के करता है, उसमें कोई तासुब या कोई इम्तियाज़ नहीं बरतता। हाँ, ये होता है कि लड़के को अंग्रेज़ी मीडियम में डाला जाता है और लड़की को उर्दू मीडियम में डाला जाता है, जैसे हमारे यहाँ का माहौल है, उसकी वजह शायद यह सिक्योरिटी का मामला है कि हमारी बच्चियाँ वहाँ पर
उर्दू मीडियम में महफूज रहती हैं, है ना, गलत उसमें शरीक नहीं हो पाती वो लोग। और दूसरी है, अगर घर के अंदर एक सौतेला बच्चा और एक जो है सक्का बच्चा, तो हो सकता है उसके अंदर इम्तियाज हो जाए, लेकिन अगर इस तरह होता है तो सर ने कहा, वो मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि बच्चों में एक सोई नहीं रहती, उसमें एहसास से कमतरी पैदा होती है उसके अंदर, और वो तालीम से दूर भागता है। बस शुक्रिया सर। जिससे कि अभी मलिक सर ने कहा, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोगों के पास ये मसले आते हैं कि अगर लड़की समझ लो 11-12 में है, अब अगर जैसे बच्चियां नहीं आती, हमारे टीचर्स उनके पास जाते हैं, आओ, तो घर वाले क्या बोलते हैं, जाने दो ना सर, क्या है अभी, बस ये शादी करवा देना, ख़त्म करना है। और लड़का रहता है तो उसको बहुत ध्यान से आकर पहुंचा के जाते हैं, मैं ऐसा समझता हूं। और सर जैसे आपने अभी जवाब दिया कि भाई घर का जो इम्तियाज़ है उसका असर बच्चों पर पड़ता है, तो असातिज़ा ने ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई इस पर घर का असर है, और फिर असातिज़ा उस असर को कैसे दूर करे? सर सर ने मेरे लिए बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल का इंतखाब किया है। आप बच्चों के मसाइल को आइडेंटिफाई करना बतौर मुअल्लिम, एक भरी क्लास में जिसमें 40, 50, 60 बच्चे हों, उस क्लास में किसी एक ख़ास बच्चे के साथ कौन सा कोई ख़ास मसला है, घरेलू मसला, उसको आइडेंटिफाई करना एक यकीनन मुश्किल तलब काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। उसका असर अगर हम देखें, जैसे कि एक थेरी है जिसमें हम इफ़ेक्ट के ज़रिए हम पहचानते हैं कि मसला क्या है, कॉज एंड इफेक्ट थेरी जो कही जाती है, कि असर देखकर हम समझते हैं कि इसका ये मसला होगा। तो बच्चे की बिहेवियर, बच्चों की बातें, बच्चों के इम्तिहान के नतीजा, ये अगर उसको थोड़ा सा क्लीनली ऑब्जर्व किया जाए तो यकीनन हम उन बच्चों तक पहुंच सकेंगे, उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे जिनको ये प्रॉब्लम घर से फेस हो रहा है। 100% ना सही, लेकिन ज़्यादातर केस में हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपके सवाल का पहला मरला ये है कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि अगर मैं बच्चों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उसके साथ ये तासुब का मसला है या कोई और घर का मसला है, तो मैं उसका हल भी नहीं पेश कर सकूँगा। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये है कि हम ऐसे बच्चों को 50-60 बच्चों की क्लास में, 2-3-4 बच्चे जो भी हों, या खुदा ना खास्ता उससे ज़्यादा हों, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद यकीनन हर बच्चे का मरहला अलग होगा। हम जनरली कह सकते हैं कि इनके साथ घर में थोड़ा किसी ना किसी तौर पर तासुब हो रहा है, लेकिन तासुब की नौयत भी अलग हो सकती है, तासुब का मरहला भी अलग हो सकता है। इसलिए जस्टिफाइबल कंडीशंस में कस्टमाइज स्टडी करके हमको आंसर ढूंढना पड़ता है। हर बच्चे का मरहला मामला अलग हो सकता है, उस बच्चे के साथ कुछ गुफ्तगू की जाए, उसके मसाइल को समझा जाए, हो सकता है बच्चा अपना मसला बता सके, हो सकता ना बता सके, हो सकता है। अगर मैं उसको हल सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर स्कूल में इन तमाम मसाइल के लिए मेंटर्स और काउंसलर्स का इंतज़ाम किया जाए। इन बच्चों के लिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चा जो है, हम कभी अपने मसाइल हम खुद भी डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो बच्चा कैसे डिस्क्राइब करेगा उसके साथ क्या मसला है। तो उस सिलसिले में फिर मेंटर्स और काउंसलर्स का अगर अपॉइंट किया जाए तो ऐसे सारे बच्चों को उनके सामने लाया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक कामयाब मिसाल मैडम इस बात की शाहिद हैं, महाराष्ट्र कॉलेज में हमने काउंसलर का इंतखाब किया और थोड़ा सा मेंटरिंग का प्रोसेस मैंने शुरू किया, इस तरह बहुत सारे बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश हुई। बहुत अच्छे, तो ये इस तरह के उसका हल किया जा सकता है। शुक्रिया। इसका मतलब ये है कि हम लोग को काउंसलर्स को बुला के इनका हल निकालना चाहिए, है ना। मेरा अगला सवाल है मलिक सर से, मेरे उस्ताद मलिक सर। सर ये सवाल आप पे बहुत सूट करता है। ये सवाल है कि वालिदैन का मुलाजमत पेशा होना, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हजरात या मोहतरमा बैठी हुई हैं सब मुलाजमत पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुलाजमत, और आपकी वालिदा भी दर्स और तरदीस से है ना, तो वालिदैन का मुलाजमत पेशा होना यानी बच्चों को कम वक्त देना, इसका बच्चों पर नहीं, ये पूछ चुके हैं लेकिन एक बार एक सर से पूछना चाहता हूँ कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। सर बड़ा मजबूत जवाब है इसके ताल्लुक से कि देखो, मुलाजमत पेशा जो लोग होते हैं, वालिदैन होते हैं, जाहिर है बताया कि उनके पास वक्त कम होता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मुलाजमत पेशा जो लोग होते हैं उनके वो माशी तौर पर खुद कफील होते हैं, जहन उनका उन तनाव से खाली होता है,
तो बच्चों के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करते हैं। वक्त का जहाँ तक सवाल है तो होता है, लेकिन उसके लिए वो लोग ट्यूशन वगैरह लगाते हैं। बच्चों का अगर सही तदरीस नहीं हो रही है स्कूलों में तो उसके लिए आज देखिए कि यहाँ पर मुसाबकत का दौर है, तो हर वालदैन ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से मुमताज़ रहे, आगे जाए, इसके लिए वो ट्यूशन का इंतखाब करते हैं, है ना, उसकी पूरी करते हैं, तो उसके लिए भी वो खर्च बर्दाश्त करते हैं। तो अगर उनके पास टाइम नहीं है तो इस तरह वो अपने बच्चों के मतलब कफालत कर सकते हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैं और मेरे मिसेज जो है मुलाजमत पेशा है, लेकिन दोनों बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं, और सामने हमारे तबस्सुम में बैठी हुई है ना, उनके दोनों बच्चे माशाल्लाह मेडिकल में है, इंजीनियरिंग के अंदर काम कर। एक मिसाल और दूंगा डॉक्टर रेहान अंसारी की, है ना, मुलाजमत पेशा हो भी थे दुरुबीना में, तो उनके दो लड़के आईआईटी बॉम्बे से फारिग है, इंजीनियर है, एक लड़की एमएस है ईएनटी से। तो इस तरह वो बच्चों, अच्छा एक ख़ास बात और है कि बच्चे जो रहते हैं वो माँ से ज़्यादा अटैच रहती है। हम लोग कुछ भी कर लें लेकिन बच्चे बोलते हैं कि मुझको माँ ने पढ़ाया, मुझको बोलते हैं कि आपने बहुत से लोगों को पढ़ाया, लेकिन हमको नहीं पढ़ाया, हमको हमारी माँ ने पढ़ाया। बहुत शुक्रिया मलिक सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो मिसालें दी वो मिसालें, सिर्फ दो मिसालें आपने अपने टीचर पेशा के ताल्लुक से दिए। आम तौर पर जनरल जो है जो असातिदा या उनके वालदैन दूसरे मुलाजम करने वाले जो वालदैन हैं उनका क्या असर पड़ता है? जैसे यहाँ पर टीचर्स की मैंने मिसाल दी, वैसे तरह का मजदूर पेशा है, रूम वगैरह चलाता है, जाहिर है कि वो खुद ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान रहता है, माशी तौर पर भी ज़हनी तौर पर परेशान रहता है, तो वो बच्चे जो है बच्चों पर तवज्जा नहीं दे पाते, स्कूल में उनकी हाज़िरी कम हो जाती है, बच्चे भी दूर भागे, वो ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होते, तो वो जो है उनके तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो तालीम कर, अभी एक मिसाल दूंगा, जब कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से बच्चे जो है वो चाय बेचने लगे थे, आपको मालूम होगा, तो ये बच्चे जो है जो चाय वगैरह बेचने लगे तो वालदैन को उससे कुछ आमदनी होने लगी, वो बच्चे जो है घर की किफालत करने लगे, तो वालदैन को लालच आ गई कि बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको स्कूल नहीं भेजा जाए। तो आज भी वो बच्चे जो कोविड के दौरान चाय भेजा करते थे आज स्कूल वापस नहीं आया है, तो एक बड़ी तादाद जो है तर्क तालीम कर चुकी है। तो माशी तौर पर खुशहाल होगा वही जो बच्चे अच्छे जाएंगे, जो माशी तौर पर परेशान होंगे वो बच्चों का यकीनन तालीम में नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया सर। फातिमा मैडम, एक अक्सर देखने में आता है कि भाई बच्चे मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल का, वालदैन भी मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों को यहाँ रोकते हैं कि भाई मोबाइल का आप इस्तेमाल नहीं करें, बच्चों को मोबाइल लाना मना है, या मोबाइल के हम जितने भी नुकसान आते बताते हैं, लेकिन वालदैन बच्चों से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर वालदैन की वजह मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों पर क्या असर होगा और उसको कैसे रोक सकते हैं हम? सर, बिफोर आस्किंग योर क्वेश्चन, इफ यू परमिट मी, कैन आई आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन? ओके सर, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन टू? आई अग्री विथ सर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ द चाइल्ड डजंट बिलोंग टू द फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली विल नॉट डू वेल इन लाइफ। आई फील मोर देन स्पेंडिंग टाइम विद द चिल्ड्रन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। For example, I'm a housewife, I'm just sleeping in the house. Most of the time, I'm busy with my household work. Will my child benefit from me? Of course not. Am I talking to my children? I'm not. So what is important? That even, for example, I'm also a working woman, isn't it? I'm also not able to spend quality. I mean, I feel sometimes that guilt feeling we always have, that somewhere probably I would have done much better if I would have stayed, but still I feel that we give our best, the time that we have it in our hand, we try to spend with our children, we talk to them, we try to teach them. So I feel in spite of that we are working, we are able to spend quality time with them, and that benefits them a lot. So I think this is for all the parents, not working or working. More than that, it is important that you talk to them. You try to inculcate good values in them, isn't it?
not necessary that you need to be highly qualified to do this. Anybody can do this. You know, basically they want affection. That is important. For example, when I am working, I know that at my home, my mother-in-law is there to give good upbringing to my children in my absence. But I remember when I was a child, my both parents were working, there were no one at home, the servant. In that case, the child do suffer. For example, I remember most of the time standing at the window waiting for my mother to be back from the school. So I guess in that case, yes. But if there's somebody, isn't it? There at home, we are able to give our, yeah. Yes, yes, sure, sure. Yes, yes. हेलो क्वालिटी टाइम की जहाँ तक बात है तो क्वालिटी टाइम हम लोग जैसे लोग दे सकते हैं क्या हम लोग एक मजदूर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देखिए सर क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उनको हर वक्त पढ़ाते रहें आप उनके साथ बैठकर कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं आप प्यार से उनसे बात करेंगे वो भी क्वालिटी टाइम है सही बात कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाए तुम एग्जिस्ट करते हो मेरी जिंदगी में यू आर देयर इन माई लाइफ इज़न्ट इट आप उनसे बैठे उनको उन पर ध्यान दें वो जरूरी है सैटिस्फाइड सर हाँ मैं जी सर 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 वो मोबाइल फोन या सो जहाँ तक मुझे लगता है द पेरेंट्स शुड अवॉइड द एक्सेसिव यूसेज ऑफ द फोन जब हम घर पे रहें और फैमिली और बच्चों के साथ हैं तो मुझे लगता है दैट वी शुड कीप द फोन अवे फोन हम अपने से दूर ही रखें तो बेहतर है फोन का इस्तेमाल हम तभी करें जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो नहीं तो हम यू नो बिकॉज चिल्ड्रेन आर ऑल्सो यूज टू वॉचिंग ऑल द टाइम रील्स यू नो सीरियल्स एंड ऑल द रादर वी शुड टॉक आई थिंक टॉक रीड बुक्स इन फ्रंट ऑफ देम सिट विद द बुक्स बिकॉज चिल्ड्रेन नाउअडेज डोंट लाइक बुक्स दे हेट बुक्स दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग इन द फोन सो आई थिंक इन फ्रंट ऑफ देम वी शुड कीप द फोन अवे इवन इफ वी वॉन्ट टू एक्सेस वी आर ऑल्सो द पेरेंट्स वी यू नो वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी द फोन नॉट इन देयर प्रेजेंस आई फील वेन दे आर नॉट अराउंड मुझे थैंक यू मच मैडम बिल्कुल आजकल वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल्स के ताल्लुक से कुछ सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं आप लोगों के भी इल्म में होगा सिर्फ याद ध्यान ही करा रहा हूँ मैं एक गांव में लोगों ने फैसला किया कि शाम में 7 बजे से रात के 9 बजे तक किसी घर में मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा क्या बात है क्या बात गाँव में फैसला किया वेरी नाइस इसी के साथ एक साहब ने बताया कि हमारे घर में ये रूल है कि फ्रॉम सो एंड सो टाइम टू सो एंड सो टाइम नोबडी विल यूज़ मोबाइल So that is what she is talking about, quality time वहाँ से निकल के आएगा कि 7 बजे से 9 बजे जो भी हमारे घरों का अगर मामला हो और हम इसको कर सकें कि इस टाइम से इस टाइम तक जब सर के घर के सारे अफराद जमा हैं तो हम ये फैसला करते हैं कि उस टाइम सारे मोबाइल एक जगह रख दिए जाएंगे और हम एक दूसरे के मसाइल पर एक दूसरे के मामला पर बात करेंगे सो लेट अस डू इट ना लेट अस डू इट मैं भी कोशिश करूँगा आज से कि मैं भी अपने घर में ये रूल बना सकूँ सर देखिए मोबाइल जो है ये एक मालूमात का ख़जाना भी इसके अंदर तफरी का ज़रिया भी है माँ बाप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल तो बच्चे उनको देखकर वो भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैंने अक्सर देखा कि बच्चे तफरी लेते हैं उससे उसके अलावा स्कूली बहुत से काम करते हैं मतलब टेबल याद करना है तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कोई नज़्म याद करनी है तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है हम उनसे इनकार नहीं कर सकते तो बच्चों को मौका देना चाहिए लेकिन उसमें निगरानी भी करना चाहिए कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं स्कूली कुछ काम कर रहे हैं तो बेहतर है तो इतना कहकर शुक्रिया सर हेलो तबस्सुम मैडम कल आपने एक ड्रामा किया था और जिसमें आपने मरकज़ी किरदार अदा किया था यू आर बेस्ट एक्टर और उसमें आपने ऐसा बताया था कि एक लड़की और उसकी माँ आपके पास आती हैं और उसमें ये शिकायत रहती है कि ये मोबाइल बहुत इस्तेमाल करती है आपको ये कैसे क्या जहन में आया क्या इसके बारे में एक दो ये हमारा रोज़ाना का मसला है हम लोग रोज़ाना ये मसला फेस कर रहे हैं सर क्योंकि जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं वो यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी बच्चियां मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं देखिए आपकी बच्चियां या आपके बच्चे जो भी हैं वो आपका आईना होते हैं आप जो करेंगे वो समाज में बच्चों के ज़रिए सामने आएगा सुधा मूर्ति से एक बार एक पेरेंट्स ने पूछा एक माँ ने पूछा
कि मेरी बच्ची स्टडी नहीं करती है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया था कि तुम क्या पढ़ती हो? तो माँ ने कहा, मुझे क्यों पूछा जा रहा है कि मैं क्या पढ़ती हूँ? मेरी बच्ची स्टडी नहीं करती, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मैं कैसे उसको पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट करूँ, रागिब करूँ। तब सुधा मूर्ति ने कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, जब तुम ज़्यादा किताबें पढ़ोगी तो तुम्हारी बच्ची भी स्टडी लेके तुम्हारे साथ बैठेगी, फिर तुमको उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। मैं और कुछ बोलना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। अभी यहाँ बात हो रही है क्वालिटी टाइम की, खुतबा आपको नहीं देना है सर। आज आज बात हो रही है क्वालिटी टाइम की, तो क्वालिटी टाइम एक पढ़े लिखे माँ बाप, एक फाइनेंशियली साउंड पेरेंट्स और एक मजदूर इंसान, घर में काम करने वाली औरत कोई भी हो, वो अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार कभी तो, क्योंकि बच्चे अगर हफ्ते में एक बार भी आप उनको 5 मिनट भी देते हो तो वो पूरा हफ्ता उस अच्छे मोमेंट का इंतज़ार करेंगे। वो इंतज़ार में उनका ये पूरा वीक बहुत खूबसूरत गुजरेगा और उनका आने वाला फ्यूचर सब कुछ सही हो जाएगा सर। अब एक बात और, छोटी सी बात, आप ये सब में टीचर का क्या रोल है? टीचर का रोल माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़कर है। एक बच्ची क्लास में आती है और वो खामोश सी रहती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, उसके कुछ परेशानी है, जबकि पहले वो अच्छी थी लेकिन अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अगर टीचर ये बात को समझ ले और उसको साइड में लेकर काउंसलिंग करे तो वो मसला दूर हो सकता है। आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक बच्चा था गवर्नमेंट स्कूल भिवंडी का, वो बच्चा रात में बिस्तर गीला करता था, रोज़ाना बिस्तर में पेशाब कर देता था वो बच्चा। उस वजह से वो सुबह में स्कूल नहीं आता था क्योंकि उनके यहाँ पानी की तकलीफ थी, ये मसले है। वो बच्चा जब स्कूल में एक बार आया तो सब लोग उसको बोल रहे थे गंदी बू आती है, ऐसा उसको ख़राब फील हुआ और वो दूसरे दिन से स्कूल नहीं आया। जब टीचर ने मालूम किया कि क्या वजह है तो उसकी वजह सामने आई, वो टीचर ने वो बच्चे को बुलाया, उसे प्यार से बात की और उसे क्या पूछा, तुम कौन सी मूवी देखते हो, तुम्हें कौन सा कार्टून पसंद है, अलग बात की। उसने उसको बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा मसला क्या है, मसला बच्चे के सामने नहीं रखा, उसे पूछा उसके फेवरेट कार्टून्स के बारे में बात की। बच्चे ने अपने फेवरेट कार्टून के बारे में बताया, टीचर ने 2 दिन में वो फेवरेट कार्टून्स की चादर छपा कर वो बच्चे के हाथ में दी, बोले बेटा रोजाना तुम अब इस चादर पे सोया करना। उस दिन से बच्चे ने वो आदत छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि ये मेरे टीचर ने दिए, मुझे इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चे की वो बुरी आदत छूट गई। हमारे छोटे छोटे एक्ट बच्चों की पूरी जिंदगी बदल सकते। मैडम वी आर रनिंग शॉर्ट टाइम, टाइम कम है। देखिए अभी जैसे मैडम ने कहा, माजिद सर, मलिक सर, आप तीनों एक्सपर्ट से मैं मैडम के सवाल को आगे बढ़ाऊं। मैडम ने 2 बातें अपने जवाब में कहीं कि एक वालदेन को उनके जो भी एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई आप किताबें पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरी बात उन्होंने कही कि टीचर ने अपनी अपने खर्च से उस बच्चे को चादर दी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा देखने में आता है कि असातिज़ा लाइब्रेरी का रुख नहीं करते। हमारे पास रिकॉर्ड है साल में कितने लोग लाइब्रेरी जाते हैं। और दूसरा सवाल कि असातिज़ा जो जैसे मैडम ने कहा कि अपने जेब खर्च से करते थे, चुनिंदा ही असातिज़ा हैं जो अपने खर्च से वो तमाम चीज़ मुहैया करते हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट रहे। तो आखिर क्या वजह है मलिक सर और आप तीनों एक्सपर्ट से कि असातिज़ा लाइब्रेरी का रुख कम करते हैं और अपने जेब खर्च से वो चीज़ें नहीं करते जिससे बच्चे इंस्पायर हो? जैसे बच्चे जो इंस्पायर होते हैं ना, भाई हमारे टीचर ने ये दे दिया। मुझको याद है सर, जब मैं पढ़ता था गवारी सर ने मैं एक सवाल का जवाब दिया था, मुझको चौक इनाम दिया था, मुझको आज तक याद है वो। तो ये बच्चों को याद रहता है। मैं समझ गया कि आपको बात बताऊं, हम अपने बच्चों को छोटा मोटा कुछ भी इनाम देते हैं तो एक टीचर ने मेरे पास फेसबुक लेकर आई, बोले सर देखो ये मेरे क्लास का बच्चा है, इसको हमने आज एक पेन इनाम दिया था। वो अपने घर पेन लेकर गया, मैं तमाम ऑडियंस को बताऊं, वो पेन लेकर गया, उसके बहन ने उसका वीडियो बनाया,
वो पेन को उसने खोला और खोलने के बाद सब घर वाले से ताली बजाए कि इसको आज इनाम मिला। उस दिन सर मैं वो वीडियो देखा, यकीन मेरी आंख में आंसू आ गया। और जब से मैंने तमाम असातिज़ों का कि जितना इनाम देना उतना आप दे इनाम, कि ये एक तजुर्बा था हमारे पास सर। तो प्लीज सर इस जिम्मे में आप जवाब दें माजी सर कि असातिज़ा अपने जेब खर्च को क्यों रोक देते हैं और लाइब्रेरी का में इतना वक्त नहीं देते या लाइब्रेरी का इंतखाब कम है। जैसे मैंने शुरू में कहा सर ने मेरे लिए बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल आता, अब सीधा असातिज़ा के मजमे में असातिज़ा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं सर। अरबी की एक कहावत है कि जिस घड़े में जो होता है उसमें से वही छलकता है। अगर घड़े में दही है तो दही बाहर आएगी, छलकेगी। अगर घड़े में पानी है तो वो पानी बाहर निकलेगा। और अगर वो मिट्टी का घड़ा खाली है तो कुछ बाहर नहीं आएगा। मुझे लगता है कि हम असातिज़ा की मिसाल भी ऐसी ही है कि हमारे अंदर जो भी है वही क्लासरूम में बाहर आएगा। और वो हमारे अंदर कहाँ से आएगा? वो मुताले से आएगा, वो ऑब्जर्वेशन से भी आ सकता है, मुशाहदे से भी आ सकता है, लेकिन एक बहुत मेजर सोर्स जो है वो मुताला है। अब मुताले का फुकदान या मुताले में क्यों कमी होते जा रही है, ये आमतौर से एक जनरल सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर सर ने असातिज़ा के ताल्लुक से पूछा है कि असातिज़ा में मुताले का फुकदान क्यों है। बहुत अदब के साथ मैं अपनी राय रखता हूँ, हो सकता है मैं भी रॉन्ग, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कलेक्ट मी, कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट ज़्यादातर असातिज़ा शायद ऐसा समझ लेते हैं कि अब चूंकि मैं टीचर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ इसलिए अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे पढ़ाने का मामला है, तो आई वॉन्ट टू टीच नाउ, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रीडिंग। जो कुछ मैंने अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में पढ़ लिया, डी एड बी एड में पढ़ लिया, वो मेरे लिए अब काफ़ी है और उसी के बेस पर मैं 10-20 साल 30 साल तक मैं अपनी तदरीस को मुकम्मल कर सकती हूँ। ये सोच अगर है तो जाहिर बात है कि ये एक गलत सोच है और उसकी वजह से असातिज़ा जो है मुताले की तरफ नहीं जाते हैं। जैसे अभी मैडम ने भी एग्जांपल दी के और कुछ और बातें भी आई कि हम जो करते हैं वही हमको देख कर हमारे बच्चे जो हैं वो करते हैं। अब अगर असातिज़ा ही लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, असातिज़ा ही किताबों की तरफ नहीं है, तो फिर बच्चों का क्या मामला होगा। अभी परसों के दिन हुसना कॉलेज जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ वहाँ की डिग्री कॉलेज की गर्ल्स को लेकर मैं किताब मेला पहुँच गया। डिग्री कॉलेज लड़कियों को हमने अनाउंस किया कि भाई आने जाने का खर्च आपको करना है और किताब मेले में चलना है। किताब मेले में पहुँचने के बाद जाहिर बात है कि थोड़ा सा मुझे शौक है किताबों का, तो मैंने अपनी दानिश में जितना भी मुझे किताबें खरीदनी थी खरीद ली। और जब वापसी में जब बस में आए तो मेरे हाथों में दोनों थैलियाँ थी किताबों से भरी हुई। अल्लाह खुदनुमाई से बचाए कि एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो उसका असर ये हुआ कि अगले दिन या उसी दिन बच्चों ने कहा कि हमें भी और किताबें खरीदना थी, अच्छा होता कि हम भी और कुछ किताबें खरीदते। हमने कहा किताबें खरीदिए लेकिन हमने किया तो वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग रिस्पॉन्स बच्चों को देता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम असातिज़ा से कि क्यों ना एक ऐसा एक शेड्यूल बनाया जाए स्कूल के माहौल में कि हम रोज़ाना लाइब्रेरी में जाएं और किताबों से अपना रिश्ता जोड़ें। उसके अलावा एक छोटी सी गुजारिश मेरी ये भी है कि यकीनन उस्ताद के तौर पर हमारे घर में अपनी एक लाइब्रेरी तो होगी, उसमें इजाफा करते रहें, उससे दो फ़ायदा होगा। एक तो ये कि हमारे घर के बच्चे किताबें देख देख कर उसकी तरफ रागिब होंगे मुताले की तरफ, और दूसरे वो किताबें जब हम पढ़ेंगे तो उसका सीधा असर जो है हमारी अपनी तदरीस पर होगा। तो असातिज़ा में फुकदान सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि वो सोचते हैं कि नहीं मैं तो अब बहुत सीख चुका या बहुत सीख चुकी, एक मुताले का जो रुझान कम हुआ है वो भी एक फैक्टर है, मोबाइल भी उसमें एक फैक्टर है। लेकिन एक स्टडी में ये बताया गया है कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है तो उसके दो ऑप्शंस हैं, उसमें एक है किताब और दूसरा है खेल कूद। तो अगर हम बच्चों को और असातिज़ा को भी किताबें दें और किताबों की तरफ रागिब करें, मुझे यकीन है कि समदिया स्कूल की लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी होगी। जैसे हमारी महाराष्ट्र कॉलेज की लाइब्रेरी में सर 1 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। जिस दिन मैं महाराष्ट्र कॉलेज से रिटायर हुआ तो मुझे एक बात का बहुत अफसोस ये रहा कि मैं उन 1 लाख किताबों से अब कट गया, वरना मेरे पास जब तक कॉलेज का कार्ड था तो हमारा किताबें आज भी मैं ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक कनेक्टिविटी जो थी वो मेरी ख़त्म हुई। तो मैं इस मौके पर इस सवाल के पस मंज़र में ये कहना चाहूँगा कि हमें असातिज़ा के तौर पर, टीचर के तौर पर किताबों से बहरहाल जुड़ना चाहिए
और हर वक्त हमारे, अगर आप इजाज़त दे तो सर मैं एक बात, एक मशवरा दे दूं, हमारे बिस्तर पर चारों तरफ किताबें होनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा मशवरा। मैं सर, आई कम्प्लीटली अग्री विद सर व्हाट ही सेड रिगार्डिंग रीडिंग एंड बुक्स। आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द गिफ्ट कि टीचर्स अपनी तरफ से कुछ क्यों नहीं। मुझे लगता है ज़रूरी नहीं कि हम कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ बच्चों को दें तो वही गिफ्ट होता है। हम अपने अल्फाज से भी तो गिफ्ट दे सकते हैं बच्चों को। रोज़ आप अच्छी बोली बोले, उससे बड़ा गिफ्ट और क्या है। मैं एक एग्जाम्पल, अभी जस्ट रिसेंटली टू डेज बैक इन माई डॉटर्स स्कूल, द यंगर वन इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड सर, शी केम होम एंड शी गेव मी अ वीडियो कॉल, मम्मी सब छोड़ो घर पर आओ। और मैं बोली ऐसी क्या बात हो गई। मैं जब घर पर आई पूछी तो बोली मम्मी टुडे यू नो व्हाट, टीचर टुक माई आईडी, कॉन्फिस्केटेड माई आईडी कार्ड। से तुम्हारा आईडी ले ली बच्ची, क्या हुआ? टीचर ने ले लिया, ऐसा क्या तुमने कर दिया? बोले टीचर से यू कैन नॉट गो टू द सेकेंडरी सेक्शन, दे आर मेकिंग समथिंग, सम वर्क इज गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड आई गेस शी वेंट टू द अदर साइड। आई कैन कंटिन्यू, ओके। सो द आईडी वॉज टेकन, बट बेसिकली इवन द रीजन वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू हर। She was still confused that why my ID card was taken by the teacher. There was a question mark. And she said, Mummy, after recess, I only cried. I said, why did you cry so much? She said, because one of my friends said, if the matter will go to the sister, sister is going to throw you out of the school. Then what will you do? And she was so worried. And after that, she said, one of the teacher who had collected the ID, you know what she said? Jhapad maru kya? So I was just taken aback. I said, how can a teacher talk like this? You don't deserve to be a teacher. You need to be very polite with the students. Always use the best of the words. You expect the student to use the same thing? Aap expect karte ki bachche aapse achhi baat kare, wo tabhi karenge jab aap unse wo sare alfaz use karenge unke samne. Bahut zaruri hai. Main to bilkul shocked thi ki main expect nahi ki thi ek convent ki teacher बिना किसी वजह के बच्चे से इस तरीके से। तो मुझे लगता है हम उनसे अच्छे अल्फाज हर वक्त यूज़ करें, बहुत बड़ी बात है। हर वक्त उनसे प्यार से, अगर वो हमारी बात नहीं भी सुन रहे हैं, वी नीड टू हैव अ पेशेंस, वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग पेशेंस, पेशेंटली वी हैव टू डील विद देम। अपने अंदर गुस्सा आने देना ही नहीं है, गुस्से से हमको लड़ना है हर वक्त। ऑफकोर्स हम भी इंसान हैं, गुस्सा आता है, लेकिन उनसे सिर्फ अच्छी ही बात करनी हो, चाहे हमसे बदतमीजी भी करें तो उनको प्यार से समझाना है। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए हमारे इस बस में नहायत ही मसरत का मकाम है कि शहर भिवंडी के नामवर अदारे रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम जियाउर रहमान सर यहाँ पर मौजूद है। जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। और उन्हीं के साथ साथ शफी मुकरी सर यहाँ पर मौजूद है। ऐसा समझते हैं हम कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में आप दोनों की शख्सियत एक ऐसी है कि मैं समझता हूँ जो मशाल ले रहा है। सर आप लोगों का भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी के इस बस में मैं सर खैर मकदम में इस्तकबाल है। अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैडम आपने जैसे भी कहा, हमारा सवाल था सर कि असातिज़ा अपने जेब खर्च से वो नहीं देते जैसे बच्चों को जो गिफ्ट देना चाहिए, या असातिज़ा लाइब्रेरी का रुख नहीं करते। मैडम ने कहा कि भाई असातिज़ा ने बहुत पोलाइटली बात करना चाहिए, गुस्सा उनको आना ही नहीं देना चाहिए। मलिक सर आपसे सवाल है कि एक ज़माना था कि हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, हड्डी हमारी चमड़ी तुम्हारी। ये एक कहावत थी शहर भिवंडी की, मालेगांव से लेकर यहाँ तक हम सब सुनते आए। यानी बच्चों को अगर असातिज़ा के दरमियान छोड़ दें तो ये वालिद कह के आते थे कि भाई आज से सर ये आपका बच्चा है, इसकी चमड़ी वगैरह सब आपकी हड्डी हमारी है, मतलब जितना आपको मारना है पीटना है मारे पीटे, लेकिन इसको सुधारे। लेकिन आज का टीचर एक तमाचा भी लगाता है तो वो पुलिस स्टेशन में रहता है। सर तो इस जमने में आपका क्या मानना है कि वो तदरीस बेटर थी कि ये बेटर है? सर देखिए, जहाँ तक तालीम का मामला में है उसमें सख्ती की जाए तो बेहतर है। पुराने ज़माने में जैसे कि उन्होंने कहा कि हड्डी हमारी चमड़ी तुम्हारी, इस तरह का हुआ था तो टीचर वो समझ जाता था कि ये वालदैन जो है बच्चों को मेरे हवाले कर रहे हैं, इसके तरबियत की जिम्मेदारी मेरी है, तो उतना ही वो मेहनत से और उसके मोहब्बत से मुशक्क़त से उसे पढ़ाता था, बच्चे आगे बढ़ते थे। लेकिन आज मामला हो गया उल्टा,
आज बच्चा किसी टीचर जो है किसी बच्चे को हाथ लगाने से डरता है या कुछ बोलने से डरता है ना, इम्तियाज करता है कि तू गोरा है तू काला है, इसके अंदर भी केस हो जाते हैं। तो टीचर अब डर के पढ़ाता है, इसलिए बच्चों में वो खूबियाँ वो सलाहियतें पैदा नहीं होती जो पहले पैदा हुआ करती थी। शुक्रिया सर। तदरीसी अमल में आमतौर से दो चीज़ों को बड़ी अहमियत दी जाती है, एक सज़ा, जिसके बारे में सवाल था कि हम आज सज़ा हम नहीं दे सकते, कानूनी मसाइल जो भी हैं, लेकिन सज़ा के साथ साथ एक दूसरा पहलू भी है तरगीब का। बदलते हालात में आज जब तहकीक वगैरह होती है तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये बात सामने आई है कि आज बच्चों के साथ सज़ा के मुकाबले में तरगीब देना, मोटिवेट करना उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। सज़ा की अहमियत से इनकार नहीं है, कहीं कहीं जोर ज़बरदस्ती करना और सज़ा देना अपनी जगह ज़रूरी होता है, लेकिन उसके मुकाबले में आज बदले हुए हालात में अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उन्हें तरगीब दी जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनको शाबाशी दी जाए, तो बहुत मुमकिन है कि वो सज़ा के मामले से बच कर उसके बावजूद वो तरक्की की राहों पर निकल सकते हैं। तो आप अगर नेट पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें साबित किया गया है कि सज़ा ना भी दे सकें अगर हम तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को तरगीब देकर आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी सर, ऐसा होता है कि भाई अगर किसी बच्चे को सज़ा दे दें, उसके वालिदैन आते हैं और फिर बड़ा हंगामा करते, मेरे बच्चों को मारा गया, ये किया गया, वो किया गया। अब असातिज़ा ये देखने तजुर्बा है सर, ये अब असातिज़ा क्या करते हैं, ठीक है ये बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, ये जैसा पढ़ता है पढ़े, तो क्या असातिज़ा का वो किरदार सही है क्या, या असातिज़ा ने क्या करना चाहिए? यकीनन वो बात तो बतौर मुअल्लिम मेरे लिए सही नहीं है कि अगर वालदैन आके शिकायत कर रहे हैं मेरे अपने मारने पर या सज़ा देने पर, तो वो तो लाइल्मी में या कम इल्मी में या जहालत में अगर कह दूँ तो वो ऐसा ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे समझता है मैं टीचर हूँ, मुझे तो बहरहाल मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मुझे तो अपने काम को काम रखना है, मुझे अपनी बात पे अमल करना है। और जैसे अभी मैडम ने भी कहा कि वी नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, तो बच्चों की बातों के और बदकिरदारी का हमको पेशेंस जो रखना है, तो उनके जिम्मेदार अगर आते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं तो उसको भी हमको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इसके बरक्स भी मामला होता है, कुछ वालदैन इसके बरक्स भी चाहते हैं कि हम बच्चों को सुधारें और उसके लिए हम सज़ा भी दें तो चलेगा। मुझे याद आता है महाराष्ट्र कॉलेज में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ, जीरो अटेंडेंस वाले बच्चों को अपने पेरेंट के साथ बुलाया था स्टाफ रूम में, प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने एक जम्मे गफीर था, और एक पेरेंट आया, उन्होंने कहा कि यहाँ वाइस प्रिंसिपल कौन है, तो मैं मौजूद था, मैंने कहा कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा, इसको जीरो अटेंडेंस है। मैंने कहा हमने बुलाया प्रिंसिपल साहब से भी बात करनी है आपको, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बताया कि यहाँ कोई अलग कमरा है क्या। मैंने कहा अलग कमरा, आप किसने पूछ रहे हैं? कहने लगा नहीं वो ज़रा मुझे बताइए यहाँ कोई अलग कमरा है क्या, मैं इसको ज़रा ले जाना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। तो मैंने जब ध्यान दिया तो वो पुलिस इंस्पेक्टर थे और उन्हें आज ही मालूम होता कि उनके बच्चे की अटेंडेंस जीरो थी, और वो कॉलेज में ही मारने को तैयार थे उसको कॉलेज में ही अलग कमरे में जाके पिटाई करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे वालदैन भी हैं जो अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होते हैं, और अगर वो बच्चे वालदैन इस तरह करते हैं तो यकीनन उस्ताद के तौर पर या मुअल्लिम के तौर पर मुझे तो अपना फ़र्ज निभाना है, मुझे तो उनकी भी बातें समझनी है और बच्चों के लिए बहरहाल बेहतर करना है। शुक्रिया। बहरहाल जो बच्चा उस्ताद की मार नहीं खाता, हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जो बच्चा उस्ताद की मार नहीं खाता है वो सारे ज़माने की मार खाता है। मेरा अगला सवाल जो है फातिमा कुरैशी साहिबा से है, ये मेरा अपना तजुर्बा भी है। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, आई कम अक्रॉस दीज प्रॉब्लम्स एवरी डे नियरली। तो एक सवाल है कि वालदैन की बीमारी का बच्चों पर क्या असरात होता है? मैं देखा हूँ कि ये मेरा अपना तजुर्बा है कि बच्चे इतने नेगेटिव हो जाते हैं, घर में एक हो दो हो या तीन हो, वालदैन अगर बहुत दिनों तक बिस्तर पे पड़े हैं तो उनके इतने नेगेटिव असरात आते हैं कि वो तालीम तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो इसका कुछ जवाब है आप? डॉक्टर साहब जो सवाल है ना वो सवाल पूछो, उसका आप जवाब मत दीजिए, उसका सामने वालों को तकलीफ हो जाती है, क्या जवाब देना है। तो सिर्फ आप सवाल पूछे, जवाब देना हम पूछो, यहाँ पे सवाल ऐसे इसका हल चाहते। Sir, I completely agree that it does badly affect the children, the illness of the parents. If the parents are bedridden, they keep, you know, all negative thoughts keep engulfing their mind that what will happen, isn't it? Because they're completely dependent on the parents, emotionally, physically, for every needs.
एंड सडनली अ थॉट कीप्स डिस्टर्बिंग देम, इफ माय पेरेंट विल नॉट बी देयर व्हाट विल हैपन, इजंट इट, हाउ विल आई टैकल, हाउ विल आई कोप अप. आई गेस दिस डिस्टर्ब्स द चिल्ड्रन बैडली एंड देयर अनेबल टू परफॉर्म वेल इन देयर स्टडीज. अदरवाइज सोशली ऑल्सो देयर अनेबल टू मेक फ्रेंड्स, दे आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज एंड दे आर डिस्टर्ब्ड ऑल द टाइम. Probably they start living a very alienated, secluded life. बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं और mingle नहीं होते हैं. तो मुझे लगता है इसका बुरा असर होता है, बहुत बुरा, because sometimes you know the children when they are small, I'm talking about, they don't know what illness my parents are suffering from, isn't it? What is the reason of this illness? What will happen? What is the result? Whether my parent will be again back to normal, will be on the feet, you know, will able to take care of me, or will never. Isn't it? There's several questions that comes in the tender children's mind when they're small. So it does adversely affect. So I guess one thing can be done. Other parents can explain it to them, right? For example, if they are on the bed, they can make them feel comfortable by talking to them, by explaining it to them that yes, gradually with medicines I'm going to be fine. Or to talk to them, make them, you know, mentally strong, isn't it? Emotionally strong. That yes, I'm there, don't worry, nothing will happen. I guess these things can be done. Thank you, thank you very much. Sir, देखिए बच्चे जो है अपने माँ बाप से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत अटैच रहते हैं. कभी माँ बाप में से कोई बीमार हो जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, और इसकी वजह से उनकी हाजिरी जो स्कूलों में कम हो जाती है. जब स्कूल में हाजिरी कम होती है तो क्लास वर्क में, होमवर्क में पिछड़ जाते हैं. तो अब क्लास में जो पढ़ाया गया उसको मालूम नहीं था, अगला सबक क्या है तो उसको समझ में नहीं आता. तो आस्ते आस्ते उसकी हाजिरी कम होने लगती है, और ये होता है कि वो स्कूल अपने तर्क तालीम कर देता है. बस शुक्रिया सर. उस पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है ऐसे बच्चों को, उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और उनके काउंसलिंग की ज़रूरत है. मलिक सर, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि क्लास में जैसे अगर समझ लो 40 या 50 बच्चे हैं, और नॉर्मली जैसे प्रिंसिपल का प्रेशर होता है असातिज़ा पर कि भाई तुमने अपने पोर्शन को जल्दी कंप्लीट करना, एंड टाइम कंप्लीट करना है. अब क्लास में बहुत से कौन जहन बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जहन नहीं होते हैं, कौन जहन होते हैं, तो ऐसे कौन जहन बच्चों को किस तरीके से मौलिम तैयार करें? क्योंकि देखिए उसके ऊपर प्रेशर पहला तो ये है कि अपना पोर्शन पूरा करना है, हेडमास्टर के ऑब्जर्वेशन में उसको जो टाइम लिमिट है, तो ऐसे टाइम लिमिट में वो अच्छे बच्चे वो उसके पोर्शन से एतबार से सेटिस्फाइड होते हैं, कौन जहन बच्चे नहीं होते, तो ऐसे कौन जहन बच्चों के लिए वो असातिज़ा जो पोर्शन के साथ साथ कैसे उनको तालीम का ख्याल करें, प्लीज़ आप इस पर बात करें. देखिए कौन जहन बच्चे होते नहीं हैं, आमतौर से अल्लाह ताला ने हर बच्चे को बहुत सी सलाहियतें दी है. कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं बच्चों में जो दूसरे बच्चों से मुमताज करती है, तो उन बच्चों की सलाहियतों का हमको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा खेलकूद में अच्छा है, कोई नज़्म खानी में बेहतर है, तकरीर में अच्छा है, तो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए. साथ साथ उन बच्चों को मोहब्बत से या शफकत के साथ उनको ज़्यादा मेहनत की आदत डलवानी चाहिए. और साथ पे कि ये है कि जो ऐसे बच्चे लगे तो कमज़ोर हैं तो उनको अलग से एक्स्ट्रा कुछ टाइम उनको देना चाहिए. शुक्रिया सर. मलिक सर और बिलाल सर ने मुझको भी यहाँ तक पहुँचाया है. बहरहाल माजी सर, एक सवाल हमारी लिस्ट में कि ये देखने में आता है अक्सर कि अगर एक बच्चा घर का उर्दू मीडियम में है और एक इंग्लिश मीडियम में है, नॉर्मली हम लोग ने जैसे ज़िया सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों के नज़दीकी बात है कि अगर वालदेन ज़रा भी अच्छे पैसे से हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में दाखिल कराते हैं, उससे ज़्यादा पैसा है तो वो और अच्छे इंग्लिश में, और उससे ज़्यादा अमीर है तो इंटरनेशनल स्कूल में. अब मसला है कि हम लोगों के तई जो नॉर्मली जो हम देखते हैं कि एक बच्चा घर का उर्दू मीडियम में है और एक बच्चा घर का इंग्लिश मीडियम में है, तो उर्दू मीडियम के बच्चे पर क्या असर होता है जब उस, क्या वो एहसास कमतरी में मुब्तला होता है कि किस तरीके से वो अपनी तालीम को ये ना देखे कि भाई इंग्लिश है तो क्या हुआ, मैं उर्दू में भी वो मकाम हासिल कर सकता हूँ, इसमें बच्चा किस तरह तैयार होता है या असातिज़ा का रोल क्या होना चाहिए? इससे पहले कि मैं इस बात पे थोड़ा सा अपनी राय रखूं, पहले का जो सवाल था कि घर में अगर पेरेंट्स बीमार हैं तो बच्चे क्या उस पर असर होता है, यकीनन मनफी असर भी होता है. लेकिन सर बहुत सारे माहिरीन ने कहा है कि मुश्किल हालात में भी या मुश्किल हालात से ही
बहुत सारी कामयाबियाँ पैदा होती हैं। तो अगर घर में मसाइल हैं बच्चों के साथ, तो बहुत मुमकिन है कि वो बच्चे जो देख रहे हैं कि मेरे वालदैन मुसलसल बीमार हैं, या उनके साथ कुछ माली परेशानियाँ हैं, या कुछ ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उन हालात को समझकर बहुत मुमकिन है अगर हमारी तरफ से उनको सपोर्ट मिले तो वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर नुमाइंदगी और कामयाबी हासिल कर सकता है। ये उसका एक पॉजिटिव पहलू भी होना चाहिए और इस पर भी हमें गौर करनी चाहिए। आपका जो सवाल था कि जब एक ही स्कूल, एक ही घर में अलग अलग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बच्चे पढ़ रहे, और ख़ास तौर से उर्दू मीडियम जब हम बोलते हैं तो हमारा लहजा भी बड़ा अजीब सा होता है कि उर्दू मीडियम वाला है, वो अंग्रेज़ी मीडियम वाला है, तो मैं गुजारिश करूँगा पहले हम ये जो डिस्पेरिटी है इसको ख़त्म करें, ये उर्दू वाला है, ये अंग्रेज़ी वाला है, ऐसे बोलें हम, या कम से कम एक जैसा तो बोलें कि ये उर्दू वाला है या अंग्रेज़ी वाला है, ये उर्दू वाला है वो, तो प्लीज़ ये हमारा जो माइंड सेट है वो यकीनन ये जो हमने एक माइंड सेट बना लिया है ये फॉल्सिफाइबल है, ये तो बिल्कुल गलत है। सारे माहरीन यहाँ ज़िया सर पे बैठे हैं, सारे माहरीन ये मानते हैं कि बच्चों की इब्तदाई तालीम उनकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए, नहीं हो रही है, उसके साथ जो मसाइल हैं वो तमाम लोगों के सामने आया है। अब सवाल ये कि अगर एक ही घर में अलग अलग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बच्चे पढ़ रहे हों और उनके साथ उनके पेरेंट्स का मामला भी तासुब वाला हो या अलग अलग हो, एक के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हों और एक के ऊपर कम खर्च हो रहा हो, तो उससे बच्चों के जहन पर क्या असर होगा? जवाब बिल्कुल सीधा है, 2 + 2 = 4 ही होते हैं। तो जैसे कि वो बच्चे के साथ तासुब हो रहा है, उसको उर्दू मीडियम में डाला गया है, तो यकीनन उसके दिमाग पर वो असरात तो होंगे कि मुझे उर्दू मीडियम में डाला गया है। अब उसका हल क्या है? उसका हल तो यकीनन कई पहलू से सोचा जा सकता है कि ये जो ज़हनियत बनी है कि उर्दू मीडियम कमज़ोर पुराना मामला, इसको ख़त्म करना है। और क्या वो दिन आएगा कि उर्दू मीडियम स्कूलों को भी वैसा ही बना दिया जाए जैसी कि आज की अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलें हैं? क्या उर्दू मीडियम के स्कूल के बच्चे भी उतनी ही अंग्रेज़ी समझ लें जितनी अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चे समझ लेते हैं? क्या उर्दू मीडियम के बच्चे उतनी ही अंग्रेज़ी फरफर बोल लें जितनी अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चे बोल लेते हैं? क्या उर्दू मीडियम के बच्चे उतनी ही अच्छी अंग्रेज़ी लिख लें और मुकाबलों में हिस्सा ले लें और जीत लें जैसी अंग्रेज़ी मीडियम के? तो ये फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा जब ये फ़र्क हम ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है कि स्कूल जो है एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, स्कूलें हमारे तालीमी अदारे एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें हर किस्म के कपड़े आते हैं धुलने के लिए। अब अगर वॉशिंग मशीन ही इनकार कर दे कि मैं इस कपड़े को साफ नहीं करूँगी तो फिर कौन उसको साफ करेगा? वो कोई कपड़ा 8 घंटे का मैला हुआ आएगा, कोई 24 घंटे का मैला कपड़ा आएगा, कोई हफ्ते भर का मैला कपड़ा आएगा, लेकिन वॉशिंग मशीन ये कभी इनकार नहीं करती कि मुझे इसको साफ़ नहीं करना है। वो अपनी दानिश में अपनी सी कोशिश करती है और तमाम कपड़ों को बहरहाल साफ़ कर देती है, अनलेस के कोई दाग जो है बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा अनमिट हो। लेकिन मजमूई तौर से तो हमारे स्कूलों का ये जो मामला है, हमें उसी अंदाज से काम करना होगा कि मसाइल जो भी हों हमें उस सिक्के को टर्न करके द अदर साइड ऑफ द कॉइन, द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन देखना है, और अगर निगेटिव सामने ज़्यादा आता है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। शुक्रिया सर। देखिए, इंसान और मशीन में फ़र्क है। इंसान जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, मशीन सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए वो काम कर लेती है। ऐसा होता है। माजी सर, शुक्रिया। अगला सवाल आपसे है, थोड़ा सा चुपता हुआ सवाल है कि बच्चों में दीनी तालीम की जिम्मेदारी किस पर है? बच्चों में जी दीनी तालीम की जिम्मेदारी किस पर? कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मजमून दीनियात के साथ हम लोग सौतेला सलूक कर रहे हैं और उनके उस्ताद के साथ भी कम तनख्वाह देकर हम लोग सौतेला सलूक कर रहे हैं? आपका एक जवाब हमें इंतजार। फिर से वही बात वहीं पर आई है, सिर्फ सवाल की नौइयत बदली है। जो मामला हमारा उर्दू के साथ था वही मामला हमारा दीनियात के साथ है। जी जी, आम तौर से तो जहन यही है कि दीनियात की तालीम हासिल कराना वालदैन की जिम्मेदारी है। वालदैन उसको मदरसे में डालें, वालदैन उसको अरबी सिखवाएं, वालदैन उसकी तमाम दीनी ज़रूरतें पूरी करें, स्कूल जो है अपना निसाबी या दुनियावी जो स्कोर्स है वो पूरा करेगा। बहुत इस मुबारकबाद मैं उन तमाम अदारों को देना चाहूँगा जो इसके अलावा दीनी ज़रूरतों की भी, बच्चों की दीनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए अपने टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ उलमा का इंतखाब करते हैं, उनके ज़रिए दीनी तालीम की भी कोशिश करते हैं। सवाल ये कि ज़िम्मेदारी किसकी है? जब बात ज़िम्मेदारी की आती है तो अक्सर ये होता है कि पासिंग द बक। पासिंग द बक का मतलब ये है कि
मेरी नहीं है, वो बॉल जो है मैं किसी और के कोर्ट में दे देता हूँ। मेरी राय में ये जिम्मेदारी सबकी है, असाज़ा के वालदेन के साथ साथ असाज़ा की भी ये जिम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चे 18 घंटे घर में होते हैं तो कम से कम 5 घंटे तो हमारे पास होते ही हैं, और वो 5 घंटा भी वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा जो है 20 मिनट के लिए ही होता है, लेकिन 24 घंटे कोई मसाइल को हल कर देता है वो। तो हमारे पास बच्चे 5 घंटे के लिए मौजूद हैं, काफ़ी है, मोर देन सफिशेंट है। अगर हम उस 5 घंटे को अच्छे से इस्तेमाल करें, उसमें इस ज़रूरत को भी जहन में रखें, जैसे कि इसके आगे तरबियत की बात होती है कि बच्चों की तरबियत क्यों ना की जाए, तो उन तमाम चीज़ों को भी हम रखें तो यकीनन ये काम किया जा सकता है। बुनियादी तौर से वालदेन की जिम्मेदारी है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम इस काम में उनकी मदद करें तो मुझे लगता है कि इस मसले को हल किया जा सकता है। आजकल जो कॉन्सेप्ट आया है वीकेंड स्कूलिंग और हॉलीडे स्कूलिंग का, तो अगर हमारे अपने शेड्यूल में दीनी तालीम के लिए उतनी गुंजाइश नहीं निकलती है तो जुमा का दिन हमारे लिए आधा दिन होता है, बाकी का आधा दिन हमारे लिए छुट्टी का होता है, इतवार का दिन हमारे लिए पूरी छुट्टी का दिन होता है, 7 दिनों में 1.5 दिन हमारे पास छुट्टी का जो वक्त है, अगर इस वक्त को इस्तेमाल किया जाए और वीकेंड स्कूलिंग को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ पर दीनी तालीम का और तरबियत के जो मामलात हैं उसको भी हम वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और बच्चों की तरबियत और दीनी तालीम की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। माजी सर, अभी जैसे इंतज़ामिया के अराकीन है, हमारे सेक्रेटरी खीब भाई मौजूद है, एडवोकेट नियाज है, और मौज़म भाई है, डॉक्टर अनीस है, वहाँ शफी मुकरी साहब हैं, ये इंतज़ामिया हैं। जैसे सर ने अभी सवाल पूछा कि भाई दीनी तालीम में असातिज़ा की पेमेंट कम है, तो ये पेमेंट क्यों कम है, और क्या इंतज़ामिया को इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, जैसे सर ने सवाल था, तो उस पर आप इंतज़ामिया से मलिक सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्कूलों में दीनी तालीम का इंतज़ाम करना ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, वो आलम दीन मुकर्रर करे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक स्कूल के अंदर एक मुअल्लिमा थी दीनियात के लिए पढ़ाने के लिए, अब उसकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर जो है चेयरमैन मुकर्रर किया गया एक आलम दीन को, तो वहाँ के बोले इतनी तनख्वाह देते हैं हमारे मदरसे तो हम इसकी आधी तनख्वाह देते हैं, तो इनकी तनख्वाह कम की जाए, एक और मुदर्रिस रखा जाए और ये तनख्वाह दोनों में बांट दी जाए। तो ये आलिम अपने ही बच्चों के साथ सौतजा सलूक करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरे, हम कंप्यूटर की फ़ीस लेते हैं और दीनियात की फ़ीस एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो आलिम जो भी हमारे यहाँ मुअल्लिम है उसको तनख्वाह देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह स्कूलों के अंदर स्केल होता है असातिज़ा का, SSC DEd का या ग्रेजुएट का, इस तरह के स्केल बनाना चाहिए और उन जो दीन तालीम देने वाले मुअल्लिम हैं उनमें तकसीम करना चाहिए सर्कुलर के मुताबिक। बहुत अच्छा, थैंक यू। अक्सर देखने में आया कि भाई जो मस्जिदों से अजान होती है, मलिक सर एक मस्जिद में बहुत खूबसूरत अजान नहीं हो रही थी, तो लोग जाकर बोले क्या मौसिन साहब कैसी अजान दे रहे हो, बोले यार 5,000 में क्या मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ निकालो। बहरहाल एक सवाल है फातिमा मैडम आपसे और मलिक सर, आप तीनों से। एक मिनट सर, इसमें एक बात, वो इमाम और मौज़िन की बात आ गई तो मुझे मेरे वालिद साहब का एक कॉल याद आ गया। वालिद साहब अक्सर कहते हैं, मेरे वालिद साहब, कि इमाम और मौज़िन का वो रुतबा है जिसमें आप ये दीनी तालीम के असातिज़ा को भी शामिल कर लें, ये वो रुतबा है कि हर महीने उनके सामने ब्लैंक चेक बुक रख दी जाए और ये कहा जाए कि आप अपने हिसाब से फिगर लिख लिया करें। सेक्रेटरी साहब ये डिबेट खत्म करवा देंगे अभी। बजट कहाँ है? मुझे भी कभी कभी लगता है जिस तरीके से क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं, उनका जो स्टेटस होता है, जो एंजॉय करते हैं लग्जरी, हमारे यहाँ भी वैसे ही कुछ होना चाहिए कि उनको वो लग्जरी मिले, वो रिस्पेक्ट मिले, वो ऐसे एंजॉय करें, क्योंकि वो जो हमको देते हैं हमको किसी से नहीं मिलता है वो इल्म, तो उस तरीके का कुछ हमको भी करना चाहिए। जी थैंक यू। अब तीनों से एक सवाल है। एक मिनट नहीं, मगर यहाँ मैनेजमेंट भी बजट देख के काम करते हैं ना। ये भी सही बात है भाई, मैनेजमेंट का अपना एक बजट है। एक सवाल मेरे को एक्सपर्ट लोग से पूछना है, जैसे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, अभी एक मोड ऑफ एजुकेशन जो है पूरा चेंज हो रहा है, अभी जैसे आज बुक्स लोग कंप्लीट बच्चे नहीं कर रहे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, लाइब्रेरी में जा रहे नहीं है, आज जो भी मालूमात लेना है फटाफट मोबाइल से ले लेते हैं, न्यूज़पेपर पे जो बोलो पूछ लेते आ जाती है, तो क्या अपन इसको एक मोड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, या अपन आप एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, टीचर्स भी है, एक चेंज करने की अपन कोशिश नहीं कर सकते, जैसे स्कूलों में इंस्टेड ऑफ बुक्स
लैपटॉप्स लेवा जाए, क्योंकि बच्चे आजकल इसके एडिक्ट हो चुके हैं। ये अपन बातें कर रही है आज, अपन माँ बाप भी इसके एडिक्ट हो गए ऑलमोस्ट, और बच्चे भी इसके एडिक्ट हो गए मोबाइल्स के। तो क्यों नहीं इसको ही एक मोड ऑफ अपन एजुकेशन पॉलिसी बना के लैपटॉप स्कूल में लाया जाए, और एक नया पॉलिसी एक अमेंडमेंट करके ये चीज एजुकेशन उस इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अब पूरा पूरा चेंज हो गया। तुम बोल रहे भाई उर्दू किताब मिला सक्सेस नहीं किया, वाई? क्योंकि अब पूरा ई लर्निंग पूरा इस पर सब, आज जो भी पूछो अपन एक वी आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ नॉलेज, राइट मैडम? जिसे तो क्या ये चेंज करना चाहिए विद द टाइम, सब चेंज हो गया है सर। जैसे मैं खीफ सर की बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि अभी असातिज़ा की जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, जिया सर मौजूद हैं, तो खीफ सर असातिज़ा की ट्रेनिंग में जो सवाल आता है ना पूरे मोबाइल पे ही हैं, हर सवाल का जवाब असातिज़ा मोबाइल पर देख रहे हैं, उसी का आंसर उसी पे लिख रहे हैं या उसी को टिक कर रहे हैं, और उसी के आंसर के एतबार से आखिर में उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है A या A+ या जो भी मिलता है। तो ये चीज़ लागू हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा भी कर रहे हैं। अब जैसे हम समदिया स्कूल की सर आपको बात बताएं कि हमने हमारे साइंस की जितनी क्लास है सब ने हमने स्मार्ट टीवी लगाया 52 इंच का, और तमाम असातिज़ा का अब शेड्यूल बना हुआ है कि वो आप अपनी PPT बना के लाएं और अपनी PPT बना, हम खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चीज़ हम एक छोटे से अदारे में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल स्कूल है वो इस पर पहले से काम करिए, लेकिन अब हम जिस किसी दूसरे स्कूल में हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि पहले वो असातिज़ा कभी प्रोजेक्टर पे नहीं बताते थे, अब हर असातिज़ा प्रोजेक्टर पे सर वो अपने प्रोग्राम्स लेते हैं मोबाइल से, अपने जो हमारे पास साइंस के जो क्विज होते हैं टोटल हमने मोबाइल से कनेक्ट किया और बच्चों को उसी पर तैयार किया। तो इस दिन में काम चल रहा है, असातिज़ा भी कर रहे, स्कूल भी कर रहे, बच्चे भी कर रहे, और प्लस गवर्नमेंट भी कर रही है सर, मैं ऐसा समझता हूँ। मलिक सर आपका क्या बोलना? पुणे में एक इंटरनेशनल बोर्ड है, वहाँ इंस्टेड ऑफ बुक्स दे आर टेकिंग लैपटॉप्स, तो मतलब पूरा चेंज हो रहा है पूरा सिस्टम। तो इसके बारे में आप लोग जैसे क्या राय देंगे? बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारे बच्चे देखिए मोबाइल मोबाइल या कंप्यूटर वक्त की अहम ज़रूरत है, ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, उसके बगैर चलना नामुमकिन है। आपको इस बात को महसूस करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के साबिक सदर जो हैं असलम फकीर साहब, उन्होंने 10 लाख का मोबाइल खरीद करके बच्चों में तकसीम किया था ताकि बच्चे उससे लुत्फानंदोज़ भी हो सके और फ़ायदा भी उठा सके। तो वक्त के साथ अपने आप को तब्दील करना ये अहम ज़रूरत है। ठीक है, अपने फ़ोन तो दे दिया, फ़ोन के बिल्स कौन देगा हर मंथ, वो भी तो होता है, उसको उसको रिफिल कौन कराएगा, उसके पैसे भी नहीं अफोर्ड कर सकते हमारे बच्चे, ऐसे भी होते हैं। ऑनलाइन जब लेक्चर्स होते थे अटेंडेंस कम होती थी, जब बाद में बच्चों से पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं अटेंड किए, बोलते मैम घर में 2 मोबाइल है, बच्चे 5 हैं, सब क्यों ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, कैसे अटेंड करें? नहीं, ये सही बात है कि हम सब असातिज़ा के सामने वो बातें हैं। फरीद जकरिया साहब जो अमेरिका में रहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेयरवेल फंक्शन में तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर यूट्यूब पर है, उसमें उन्होंने सर ये कहा कि अपोलो 11 जो चांद पर भेजा गया था एक ज़माने में, वो जो टेक्नोलॉजी थी उससे कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आज हर एक के हाथ में है। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैं सर की बात से मुत्तफिक हूँ कि टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है। एक साहब हमारी कॉलेज में आए थे, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 140 फॉर एग्जाम्पल, एंड वी ह्यूमन्स आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100। आज हम G5 की बात कर रहे हैं, G6, G7, G8 सब रेडी हो चुका है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो टेक्नोलॉजी से तो मफर नहीं है, टेक्नोलॉजी को बहरहाल हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं सर की बात से भी मुत्तफिक हूँ कि अगर तब्दीली आ रही है और अगर हमने आँख बंद कर ली तो इसका यह मतलब नहीं कि तब्दीली नहीं आई है या नहीं आएगी। हमें तो बहरहाल आँख खोल कर उस तब्दीली को समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की तरफ से जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जाने अनजाने आज हमारे हर एक के हाथ में मोबाइल आ ही गया है ना, और हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और अब तो वो तोते की जान वाला मामला हो गया कि 5 मिनट के लिए अगर मोबाइल ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, राजा की जान तोते में, तो उससे तो इनकार नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, मोबाइल का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें बहरहाल ज़रूरी हैं।
और इसको इस्तेमाल पॉजिटिवली करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई एग्री विद यू सर। सर सिर्फ एक सवाल हमारा, एक सवाल डॉक्टर, उसके बाद हमारा सेशन खत्म होगा, सदाती खुतबा होगा। एक आखिरी सवाल पूरे पैनल से सर, एक मजाया सवाल है कि असातिज़ा क्लास में जाते हैं और जिस दिन उन्होंने बच्चों को बहुत पीटा, बच्चे बोलते हैं आज घर पर सर का झगड़ा हुआ है, ये सब बोला जाता है, तो क्या घर के झगड़े से असातिज़ा की तदरीस पर इफेक्ट होता है? तो ऐसे असातिज़ा को आप ऐसे टिप्स बताएं कि भाई वो घर के झगड़े, घर का गुस्सा बच्चे पे ना निकालें, उसको अपने आप को कैसे इत्मीनान करना है, कैसे सब्र वाले बनना है, इस पर आप बात कर सकते। सर इनका बोलना, इनका उल्टा सवाल क्या है कि अगर स्कूल का झगड़ा होता है या स्कूल में बदनामी तो उसका असर घर पे होता है, सहायिका मिस अक्सर तारीख को बोलती है। नहीं सर, माजिद सर, सर हमारे मैनेजमेंट के, उनके एहलिया हमारे पास टीचर है, ये अक्सर शिकायत करती है, बोलते या तू घर का झगड़ा ना यहां मत लाया कर। मलिक सर प्लीज। देखिए घरेलू झगड़ा होता है, जो तनाजा होता है उसके अंदर जो है उस्ताद जो है उसका जहन जो है मुंतशिर हो जाता है और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है और इसकी वजह से, झगड़े की वजह से, तनाज़े की वजह से वो अपने अजबाक पर तवज्जा नहीं दे पाता, स्कूल की तैयारी नहीं कर पाता। इसकी वजह से स्कूल में जब वो दाखिल होता है पढ़ाने के लिए, जाहिर है उसके जब तैयारी नहीं है तो बच्चे उसमें उसके अजबाक में दिलचस्पी नहीं लेंगे और आस्ते आस्ते बच्चों में आदम दिलचस्पी पैदा होती है और वो उस्ताद के लेक्चर से फरार इख्तियार करते हैं या तवज्जा देने नहीं चाहते वो लोग। इसके लिए अब वो बच्चे जब कमज़ोर हो जाते हैं उस मज़मून में तो या तो वो पेरेंट्स का सहारा लेते हैं या ट्यूशन का सहारा लेते हैं। तो असातिज़ा को ये चाहिए कि घर के झगड़े घर पे रखें, स्कूल में आके स्कूल के अपने फ़राइज़ अंजाम दें और इस जो टीचर अगर तैयारी करके नहीं लेती तो उसकी जिम्मेदारी हेडमास्टर की होती है कि उनको राय राज पर लाए और उनसे काम ले। तो साजिद सर ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो ऐसे असातिज़ा हैं उनको आप राय रास पर लाएँ, उनको तैयार करें पढ़ाने के लिए। तो बहरहाल इसकी वजह से बच्चे भी दिमाग में मुंतशिर रहता है, यकसोई नहीं रह पाती, ठीक है, और बच्चे जो है तालीम से दूर भागते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सर। वैसे ये सवाल जो है साजिद सर की बेटी ने मोबाइल पर अभी भी पूछा साजिद सर से। बहरहाल आखिरी सवाल ये है, अंग्रेज़ी में कहावत है कि यू टेल मी योर फ्रेंड्स, यू टेल मी योर फ्रेंड्स, आई टेल यू योर फ्यूचर। इसके ऊपर एक सवाल है कि गैर महजब या बदकिरदार, जी सर आपसे सवाल है कि गैर महजब या बदकिरदार दोस्तों की सोहबत का बच्चों पर असर। यकीनन सवाल में जवाब मौजूद है कि अगर गैर महजब साथ है या उनकी सोहबत है बच्चों की तो उनको बिगड़ने में या उनको बेरा राव होने में अब बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है और वो न सिर्फ ये कि वालदैन से दूर हो जाते हैं, असातिज़ा से भी दूर हो जाते हैं। अब ये सवाल माशरे के साथ साथ जुड़ा हुआ है कि माशरे में बच्चा जो है बिगड़ रहा है और उसका साथ बराबर नहीं है, उसके दोस्त बराबर नहीं है, तो अब मामला जो है स्कूल और घर से निकल कर माशरे में गया है। माशरे के मामला को कैसे निभाना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसका सीधा और आसान यही हल हो सकता है कि वालदैन और असातिज़ा दोनों इस बात पर ध्यान दें कि क्या बच्चा माहौल में माशरे में जाकर बिगड़ रहा है, उसकी बुराइयां वहां से पनप रही हैं। अगर वहां से पनप रही हैं तो उसे उस वक्त को गुजारने के लिए कम से कम मौका दिया जाए कि भाई वो ज़्यादा वक्त फिर या तो घर पर रहे या फिर ट्यूशन पर रहे या स्कूल में रहे, क्योंकि जितनी देर उसके हर फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, माशरे के हर फैक्टर को, उसके हर दोस्त और सहेली को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका आना जाना कम ज़रूर कर सकते हैं। ये अगर हम कम कर दें तो मुझे लगता है कि माशरे के बुरे असरात जो है उसके ऊपर कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे और वो अपने इस मसाइल को हल कर सकेगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक छोटा सा मजाक रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो पैनल डिस्कशन हो रहा था, हमारे एक्सपर्ट्स थे, हमारे बहुत से सवाल के जवाब दिए, लेकिन असातिज़ा जो है मैं समझता हूँ वो इनसे भी ज़्यादा बहुत से उनके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि भाई ये मसले का ये हल है, लेकिन ये सिलसिला इंशाल्लाह हम आगे भी जारी रखेंगे चूँकि हमको डेढ़ घंटा सर कम्प्लीट हो चुका है पहले सवाल से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसीली गुफ्तगू। अब आखिरी में मैं नहायत अदब एहतराम के साथ आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे थे एडवोकेट नियाज मोमिन, मैं चाहूँगा कि सर खुद ब सदारत के साथ आप इसका इख्तिताम करें। अस्सलामु अलैकुम।
अभी इतने सवालात और जवाबात सुनने के बाद भी मेरी तृष्णगी बाकी है, क्या आप लोगों की प्यास बुझ गई है? नहीं ना। जब मुझे गोल्डन जुबली जश्न का कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया था, तो उस वक्त मैंने रईस हाईस्कूल में जो उर्दू मेले का प्रोग्राम था उसका पूरा प्रोग्राम मंगा कर मैंने उस तफसीली और बहुत गहराई से उसका मुताला किया था। बड़े अच्छे अच्छे उसमें सेशन रखे गए थे। उस वक्त मेरे जहन में आया था कि चूँकि हमारा जो सोसाइटी का काम है वो तालीम को बढ़ावा देना है, असादा और तालीम से हमारा ताल्लुक ज़्यादा है, इसलिए एक मैंने मौजू ये तय किया। ये मेरा ही मौजू था कि हमें यह मौजू तय करना चाहिए। जब मैंने अपने लोगों से ये जिक्र किया तो ज़रा उनकी पशोपेश थी कि ये इस पर कैसे बोला जाएगा और कैसे लोग आएंगे। जुमा का दिन मैंने रखा क्योंकि लोग इसे पसंद नहीं करना चाहते थे, तो मैंने जो भी आएंगे, अब इतने लोग यहाँ पर जो आए हैं तो ये इन तीनों लोगों का इंतखाब भी मैंने किया क्योंकि माजिद साहब से मेरी पहले मुलाकात हुई थी 2 महीना पहले, हमने इस पर गुफ्तगू किया था। मलिक सर को हम पहले से जानते हैं, उनकी शोहरत, और मैडम को भी मैंने इसी कॉलेज में इस किसी प्रोग्राम में सुना था, तो मैंने साजिद सर से कहा था कि हम इन तमाम लोगों को यहाँ रखें। मैं असादा कराम के बारे में कहना चाहूँगा कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। देखिए आज का ये सेशन बड़ा अच्छा रहा और इतने कम वक्त में हमने इतना कुछ हासिल किया, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत से सवालात हमारे जहन में है और ये हमारा अभी तक मकसद पूरा नहीं हुआ है। फिर भी हमारे मेहमान हजरात ने जो मशवरे दिए और जो जवाबात दिए हैं उनसे हम लोगों को बहुत अच्छा आगे गाइडेंस मिलेगा। फातिमा कुरैशी साहब ने एक मशवरा दिया था कि बच्चों माँ बाप का झगड़ों का असर बच्चों पर क्या पड़ता है, और उन्होंने ये कहा था कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे की उम्र क्या है, इस हिसाब से उन्होंने बताया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे उस्ताद भी इस पर सीखें कि बच्चों की उम्र क्या है, वो कैसा सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी तरह माजिद सर ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बाजार में लाती है और उस पर कोई मसला कोई डिफेक्ट आ जाता है बाज़ार में तो अखबारों में या वायरल हो जाता है तो कंपनी बहुत परेशान हो जाती है और उसे फौरन उसकी मसाइल का हल निकालना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे टीचर हजरात भी इस पर तवज्जो दें कि ये बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं अगर ऐसा कोई मसला आ जाए तो उन पर ख़ास तवज्जो दी जाए। और आगे मोबाइल के बारे में जो उन्होंने एक मशवरा दिया था कि मोबाइल का वक्त मुकर्रर किया जाए कम से कम घर में बच्चों के लिए कि वो इस 2 घंटे में मोबाइल पर हाथ नहीं लगाएंगे, ये आदत डालें। हालांकि मोबाइल पहले ये आशाइश थी, कुछ बातें ऐसी होती हैं तुझे जो आशाइश होती हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रूरत बनती है। अब मोबाइल आशाइश नहीं है, अब मोबाइल ज़रूरत है, इसका फ़ायदा उठाना यकीनन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि अब हम इसका किस तरह इस्तेमाल करें ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसी तरह फातिमा कुरैशी साहब ने एक टीचर के लैंग्वेज के बारे में जो कहा कि झापड़ दूं क्या, ये बहुत अहम है कि टीचर को अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सही इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर बच्चे अपने टीचर को आइडियल समझते हैं, वो देखते हैं कि मेरे टीचर क्या करती है, मेरा उस्ताद क्या कर रहा है और उसकी उसके ऊपर अमल भी करते हैं वो, इसलिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक मिसाल और माजिद सर ने वॉशिंग मशीन की दिया था कि वो वॉशिंग मशीन को हमें ऐसी बनाना चाहिए कि वो हर गंदगी को साफ कर दे, तो इस तरह हर टीचर हमारा इस पर कोशिश करे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी है। मैं तमाम टीचर हजरात के लिए दुआ करूँगा कि अरे रब्बे ज़ुल जलाल कलम को कमाल दे, तहरीर को जमाल, जुबा को कमाल दे,
तदरीस के अमल को हाँ खत व खाल दे रतुबा मुदर रसों को तो बेमिसाल दे। बहुत बहुत हेलो नया सर देखिए हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी को 50 साल मुकम्मल होने की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम असातिज़ा के को एक को मोमेंटो दिया है यादगार तौर पर और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट से जितने भी मौलमा रिटायर हो चुकी हैं मौलम रिटायर हो चुके हमने तमाम को एक इतराफिया मोमेंटो दिया था और चूंकि मलिक सर उस दिन मुंबई किताब मेले में गए हुए थे आज हमारी इस महफिल की जीनत है। मैं भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी एडवोकेट खीफ नियाज मोमिन से और मलिक सर के तालिब इल्म डॉक्टर अनीस से दरख्वास्त करता हूँ कि आए और मलिक सर का वो एतराफिया मोमेंटो यहाँ दें और शुक्रिया का मौका दें। मैं तमाम लोगों को चाहूँगा आप सब खड़े हो जाएँ। मलिक सर प्लीज़ इधर आ जाएँ। मलिक सर की शख्सियत ऐसी है कि हर असातिज़ा इनसे सीखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक सर अपने ज़माने में बेहतरीन राइटिंग बेहतरीन किताब और हर चीज़ में माहिर थे आज हमारे दरमियान है। ज़ोरदार तालियां मलिक सर के लिए। सर बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सर आपकी मौजूदगी हमारी प्रोग्राम की कामयाबी के ज़ामिन है। सर थैंक यू वेरी मच। मैं बहरहाल इमरान सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वाए और रस्में एक छोटी सी रस्म वो अदा करें और उसके बाद खुतबा देने जाएंगे इंशाल्लाह। साजी सर हम तीनों की तरफ से आप लोगों का इंतज़ामिया का जो कंडक्ट कर रहे हैं जितने भी इंतजाम तमाम लोगों का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आपने हम लोगों को यह मौका इनायत फरमाया। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें यह तौफीक बख्शी कि हम अपने मसाइल के ऊपर बैठकर कर हासिल बहस की हमने। मैं भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हमारे आए हुए मेहमानान मेरे उस्ताद अब्दुल मलिक सर माजिद सर और फातिमा कुरैशी साहिबा इनका मशकूर हूँ। हमारे पूरे स्टाफ की जानिब से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो हमारे मेहमान दूसरी स्कूल से जो मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं उन तमाम का भी मशकूर हूँ मैं कि उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी और तमाम असातिज़ा का मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त मुकर्रा पर हाजिर होकर प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इसी के साथ मैं सदर की इजाज़त से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहिए।